गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? इको वगैरह तो नहीं हो रहा वॉइस में? एक बार आप कंफर्म कर दें फिर हम सेशन शुरू करें। ओके तो सबसे पहली बात तो ये है, पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड करता जा रहा हूँ उसको आप रीड करते जाइए। अभी उसका प्रिंट मत निकालो क्योंकि अभी लगातार उसमें टॉपिक ऐड होने हैं, बार बार उसको टुकड़ों में प्रिंट निकालोगे ठीक नहीं है। तो एक बार उसको जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा प्रिंट, आप उसका फाइनल तब निकालना। रेगुलर मैं उसको अपडेट करता जा रहा हूँ, नए नए टॉपिक उसमें जोड़ता जा रहा हूँ। तो पीडीएफ में पार्ट्स में इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप लगातार उसको पढ़ना शुरू कर दें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। प्रिंट जब कराना होगा तो प्रिंट तब कराना जब फाइनल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो क्लास जैसे जैसे खत्म होती जाएगी फाइनल पीडीएफ आपको जब मिल जाएगा तब उसका प्रिंट निकाल लेना, नहीं तो बार बार कितनी बार प्रिंट कराते रहोगे। आपको मैं रेगुलर पीडीएफ इसलिए देता जा रहा हूँ ताकि साथ साथ आप पढ़ते रहें, जो जो क्लास में होता जा रहा है वो आप पढ़ते चलें। प्रिंटिंग में पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास जब होगी तो पीडीएफ आपकी रेडी हो चुकी होगी, फिर मैं बता दूंगा, लिख दूंगा उस पर कि आप प्रिंट करा सकते हो, इसको फाइनल है। तो कल तक हमारा डिस्कशन हो गया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लास्ट हमने ये बताया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं इनके स्कोप की बात करें, आईपीआर का स्कोप की बात करें तो दो नेचर, जो कितने आईपीआर होते हैं, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कॉपीराइट, कई सारे नाम हमने कल सुने। ब्रॉडली इनको दो नेचर में डिवाइड किया गया, दो तरह से क्लासिफाई किया गया। एक तो आपका इंडस्ट्री रिलेटेड जो काम, जैसे पेटेंट है, पेटेंट कमर्शियल एक चीज से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी का रिलेटेड रिलेटेड पार्ट है, कोई इन्वेंशन है तो कहीं ना कहीं कमर्शियल पर्पस के लिए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ट्रेडमार्क भी कमर्शियल पर्पस के लिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका लोगो है, ब्रांड वैल्यू है, कहीं ना कहीं उसका पर्पस भी कमर्शियल पर्पस है। ट्रेडमार्क हो गया इंडस्ट्रियल डिजाइन, कोई कार का डिजाइन आपने बनाया, कोई बड़ा यूनिक सा डिजाइन आपने, कोई शू का डिजाइन बनाया, कोई टीवी आपने अलग डिजाइन किया, तो ये भी आपका कमर्शियल पर्पस के लिए है। तो जो ट्रेडमार्क, कॉपी को ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये तो आपका आ जाते हैं इंडस्ट्रियल दायरे में, इंडस्ट्रियल वाले में। और दूसरा आपका जो पार्ट है वो कॉपीराइट का है, कोई लिटरेरी वर्क है, कोई आपका क्रिएटिव काम है, कोई क्रिएटिव काम है, कोई लिटरेरी वर्क है, आपके दिमाग में कोई बहुत कमर्शियल, तो उसका एक एंगल है कि भाई आप उसको बेचकर पैसा कमाओगे, पर वो थोड़ा अलग नेचर का है। पेटेंट वगैरह जिन चीजों में है, ट्रेडमार्क जिन चीजों में है, वो सीधे इंडस्ट्री से कनेक्ट हो रही है बात। कॉपीराइट अलग तरीके का काम है, कॉपीराइट जो मिल रहा है वो अलग तरीके का वर्क है, फोटोग्राफी है या पेंटिंग है या कोई बुक आप लिख रहे हैं, कोई मूवी बना रहे हैं, वो अलग आर्टिस्टिक वर्क है। तो इसलिए ब्रॉडली इनको दो पार्ट में डिवाइड किया। लास्ट हमने कल यहीं तक बताया था आपको, अब इसके आगे प्रोसीड करें। लास्ट हमने यहीं तक का डिस्कशन किया था, देखो स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। स्कोप की जब हम बात करते हैं तो ब्रॉडली हम इन सारे आईपीआर को दो पार्ट में, दो पोर्शन में हम इसको समझते हैं। एक तो पार्ट है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बोलते हैं हम, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब इंडस्ट्रियल से रिलेटेड हैं। दूसरा कॉपीराइट। तो ब्रॉडली इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, दोनों का मीनिंग, नेचर डिफरेंट टाइप का है। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, वो सब तो आपका आईपी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वाले, इंडस्ट्रियल वाले कंटेक्स में आ जाते हैं। और दूसरा पोर्शन है कॉपीराइट का, आर्टिस्टिक वर्क वगैरह। तो द स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मॉडल। तो एक है कॉपीराइट, दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, यहां लिख भी देते हैं साइड में। एक है इंडस्ट्री रिलेटेड और दूसरा है कॉपीराइट। ब्रॉडली इसको हमने दो पार्ट में ऐसे समझा।
यहां तक की बात हो गई। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आ जाएगा हमारा पेटेंट्स, इन्वेंशन वगैरह जो होती हैं उनके लिए दिए जाते हैं, जहां साइंस टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ट्रेडमार्क ये हमारे दिए जाते हैं जहां लोगो या ब्रांडिंग की बात है, नाइक का लोगो, रिबॉक का लोगो, लोगो या ब्रांड नेम वगैरह जो है ट्रेडमार्क में आ जाते हैं। प्लांट ब्रीडिंग हम पहले ही बोल चुके हैं, अलग अलग प्लांट वेराइटीज बनाना, मतलब कमर्शियल इंटरेस्ट। की पॉइंट क्या है? कमर्शियल इंटरेस्ट, इंडस्ट्री ओरिएंटेड, कमर्शियल इंटरेस्ट, इंडस्ट्री ओरिएंटेड। तो पेटेंट अपने होल्डर को ये एक्सक्लूसिव राइट देता है कि वो अपनी इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मनी मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, किसी और को ये राइट दे सकता है। इन्वेंशन जो शब्द है वो अपने आप में ही एक क्रिएशन की बात है, कोई प्रोसेस, कोई क्रिएशन, कोई नई तरह की मशीन बनाना, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग करना। कॉपीराइट होने का मतलब आप किसी के आइडिया को नहीं रोक सकते हो, किसी के आइडिया, हम इवन जो भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात कर रहे हैं, हम जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात कर रहे हैं, चाहे आप कॉपीराइट की बात भी कर लो या आप इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वाले की बात भी कर लो, ये आइडिया को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते, पर उस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है। आप आइडिया को तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ है, क्या सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो रियल में जब वो चीज निकल कर आ रही है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन पता लग रही है, तब रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, आइडिया सोचने पर नहीं। जैसे मान लो मैं कोई एक बुक सोच रहा हूँ लिखने को, वो बुक जब मैं लिखूंगा, एक्सप्रेस जब करूंगा, क्या वो एज इट इज कॉपी हो रही है किसी और से, या कुछ मेरा उसमें ओरिजिनल वर्क भी दिखाई दे रहा है। मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया आया कि मैं एक मूवी बनाऊंगा, आइडिया को तो कोई रोक नहीं सकता, पर जब वो मूवी बनेगी, क्या वो एज इट इज कॉपी पेस्ट किसी और मूवी से है? तब तो ओरिजिनल नहीं हुआ वो, तब तो वो यूनिक नहीं हुआ। तो आइडिया सोचने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर वह जब उसका एक्सप्रेशन जब आ रहा है, जब वो इम्प्लीमेंट हो रही है चीज, तब वो औरों से अलग है या नहीं। तो ये बात तो पेटेंट के लिए भी सही है, कॉपीराइट के लिए भी सही है, ट्रेडमार्क वगैरह के लिए भी सही है। आइडिया सोचने पर नहीं रिस्ट्रिक्शन हो सकता, जब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, तब वो अलग है या नहीं। अगर वो दूसरे से मैच कर रहा है तब आपको पेटेंट वगैरह नहीं मिलेगा। तो इन्वेंशन, कोई नई चीज बना रहे हैं, कोई नया प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, कोई मशीन है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, तो कॉपीराइट वगैरह होने का मतलब आइडिया पर कॉपीराइट नहीं है, एक्सप्रेशन किस तरह से हो रहा है, एक्सप्रेस किस तरह से किया जा रहा है, उस पर बात है। और कॉपीराइट और पेटेंट अलग चीजें हैं, ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं। कॉपीराइट या पेटेंट वगैरह अलग चीजें हैं, पेटेंट इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी उन पर मिलता है, कॉपीराइट कोई आर्टिस्टिक वर्क, कोई लिटरेरी वर्क उससे संबंधित है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल और कॉपीराइट वाले अलग तो हैं ही। यहाँ लिखा है देखो, कॉपीराइट कवर करता है कई सारी फील्ड को, आर्ट, आर्टिस्टिक वर्क, कोई पेंटिंग है, कोई मूवी है, कोई सॉन्ग आपने क्रिएट किया है, लिटरेचर को कवर करता है, आर्ट और लिटरेचर से लेके कोई साइंटिफिक वर्क और सॉफ्टवेयर भी, सॉफ्टवेयर के भी कॉपीराइट होते हैं, सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं वो भी कॉपीराइट के दायरे में आते हैं, म्यूजिक और ऑडियो विजुअल वर्क, मूवी बनाना, ये भी आपका कॉपीराइट में कवर होते हैं, ये सब कॉपीराइट वर्क में आता है। इंडिया में जो कॉपीराइट के नियम है, लाइफ प्लस 60 ईयर तक आपको ये वैलिड होता है, अपने यहाँ लाइफ प्लस लाइफ के बाद 60 ईयर और, रॉयल्टी वगैरह जो बुक्स वगैरह में भी रॉयल्टी वगैरह मिलती है, वो यही नियम है। अगर मान लो मेरी बुक है, किसी पब्लिशर ने छापी है, तो रॉयल्टी का क्लॉज क्या रहेगा, मेरी लाइफ तक मुझे मिलेगा और मेरे 60 ईयर बाद भी मिलेगा, ये नियम है अपने यहाँ। इन अदर वर्ड्स, जैसे देखो लिखा भी एग्जाम्पल, एंड ऑथर्स बुक इज कॉपीराइटेड फॉर हिज इंटायर लाइफ, कोई ऑथर की बुक है वो इंटायर लाइफ तक कॉपीराइट है उसका, और उसकी लाइफ के 60 ईयर बाद भी। पर पेटेंट लॉ वगैरह जो होते हैं वहां अलग कहानी है, जैसे मेडिसिन वगैरह में मान लो 5 ईयर के लिए पेटेंट मिल रहा है, तो वो पूरी लाइफ का नहीं है। इंडस्ट्रियल जो राइट्स हैं आपके, उसमें इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं मिल रहा, जैसे कॉपीराइट में इतना लंबा ड्यूरेशन है, जब तक आप जिएंगे तब तक आप ही का कॉपीराइट है, जब तक आपकी लाइफ है तब तक आप ही का कॉपीराइट है। पर पेटेंट वाले में ऐसा नहीं है, आप देखेंगे आगे कि यहाँ पर लिमिट जो है टाइम की उतनी ज्यादा नहीं होती। तो पेटेंट लॉ में देयर इज नो रिक्वायर, और कॉपीराइट वाले में उतनी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है, उतना ज्यादा रूल रेगुलेशन प्रोसेस नहीं फॉलो करने पड़ रहे जितने पेटेंट लॉ में है। पेटेंट लॉ वाला ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, पेटेंट आपको बहुत आसानी से नहीं मिलता। कॉपीराइट में तो आप ऑनलाइन फाइल कर दो, आपको अधिकार मिल जाते हैं, आईएसबीएन नंबर वंबर अपना ले लो, कॉपीराइट आपको मिल जाएगा, पर पेटेंट वाले में ऐसा नहीं होता। तो पेटेंट लॉ और कॉपीराइट लॉ दोनों में डिफरेंस है। पेटेंट लॉ का जो प्रोसेस है,
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसका लंबा प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कॉस्टली अफेयर है। कॉपीराइट वाला कोई इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है, इजिली आपके वर्क के लिए आपको मिल सकता है। दोनों में अंतर है, दोनों का नेचर भी अलग तरह का है। तो इसीलिए ब्रॉडली हमने दो पार्ट में बांट दिया, एक इंडस्ट्रियल रिलेटेड और एक आपका कॉपीराइट। है तो सारे ही आईपीआर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कॉपीराइट, ये सब के सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही आते हैं। पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी दो पार्ट में हमने क्लासिफाई किया है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड और कॉपीराइट वाला, उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड एंड कॉपीराइट रिलेटेड। यहां तक क्लियर है? कल बताया भी था ये हमने। यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई पॉइंट पूछना हो तो बताओ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो हमने कुछ नाम कल देखे थे, उनको दो पार्ट में हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया, एक इंडस्ट्री रिलेटेड और एक कॉपीराइट। ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, यही पूछ बैठेगा, कॉपीराइट कितने समय के लिए एलिजिबल है, कितने समय के लिए एप्लीकेबल होता है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, जैसे आपसे लिख देगा कि कॉपीराइट इनमें से किस किस के लिए दिया जाता है, फोर स्टेटमेंट लिख दे, मूवी म्यूजिक, लिटरेरी वर्क, पेंटिंग, और चौथा स्टेटमेंट लिख दे इन्वेंशन के लिए। इन्वेंशन के लिए कॉपीराइट नहीं होता, पेटेंट होता है। तो वही जो मैं आपको पॉइंट्स बोल रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनना है, सब हालांकि लिखा भी है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग से अभी तक हमने जितना पढ़ा, इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ आपको दिख रहे हैं। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमने बात शुरू की थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, देखते भी चलो, ये मैं आपको बताते भी चलूं कि कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही क्या है, यही इसी स्टेटमेंट से पूछ देगा कि किन किन चीजों पर कॉपीराइट एप्लीकेबल होते हैं। लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपकी इन्वेंशन, फोटोग्राफी, लोगो, ब्रांड, डिजाइनिंग, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, ये सब आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जब बात करोगे, इसमें ये सब आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीजें हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जो सात आठ नाम लिखे हैं, वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जब हम बात करेंगे तो आपका लीगल अधिकार है, ये आपका लीगल अधिकार है। क्या ये इनडेफिनिट टाइम के लिए होते हैं? नहीं। क्या ये परमानेंट होते हैं? नहीं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो गया, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है, ये आपको राइट देता है कि आपका जो वर्क है वो आप ही यूज कर पाओ, या आप जिसको अलाउ करो वो यूज कर पाए। आपकी परमिशन, आपकी कंसेंट के बिना कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, वैसे ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपको पूरा अधिकार है, ये प्रोटेक्ट हो, ये आपका अधिकार रहे इसके ऊपर, आपकी परमिशन के बिना कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। फिर आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टेंजिबल इनटेंजिबल वर्ड यूज करेगा। अगला क्वेश्चन, किन चीजों पर अप्लाई? इनटेंजिबल, नॉट फिजिकल एंटिटी। ठीक है, साथ साथ देखते जाओ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। फिर स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जितने नाम आते हैं उन्हें ब्रॉडली किस तरह से बांटा गया है। ब्रॉडली दो पार्ट में बांटा है, कॉपीराइट का अलग रूल रेगुलेशन, अलग नियम है, इंडस्ट्रियल वाले अलग है। इंडस्ट्रियल वाले में आपके ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब आ जाते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, अब सीधे आ जाएं इस पर, कितने ईयर के लिए कॉपीराइट एलिजिबल है? लाइफ प्लस 60 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन साथ साथ बोल रहा हूं मैं, देखते जाओ। इट इज क्लियर दैट द मैनेजमेंट ऑफ आईपी एंड आईपीआर, अब जैसे कल हमने बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो एप्लीकेशन आएंगी, बहुत अलग अलग लोग होंगे। कोई मेडिसिन के लिए पेटेंट मांगेगा, कोई वैक्सीन बनाया होगा, किसी ने कोई प्रोसेसिंग, नई तरह की प्रोसेस तैयार की होगी, किसी ने कुछ मैन्युफैक्चर नया किया होगा। तो ये तो बहुत अलग अलग नेचर के हैं। कोई फिजिक्स का काम है, कोई केमिस्ट्री का काम है, कोई बायोलॉजी का काम है, कोई आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क है, टेक्नोलॉजी का काम है। तो अलग अलग डिसिप्लिन के एक्सपर्ट आपको चाहिए, क्योंकि एक ही पर्सन हर चीज़ नहीं जानता। इसीलिए जो रिक्रूटमेंट भी आपका हो रहा है, अलग अलग डिसिप्लिन के लोग लिए जा रहे हैं। आप देखोगे उसमें कितने डिसिप्लिन वाले लोग रखे जा रहे हैं, क्योंकि काम उस तरह का है। तो इट इज क्लियर दैट द मैनेजमेंट ऑफ आईपी एंड आईपीआर इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क। अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी की जरूरत होगी। तो यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल लॉस को भी जानना जरूरी है। कई बार इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं। एक हमारी कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी है, और किसी कंपनी ने दूसरे पर केस कर दिया, किसी और कंट्री में केस कर दिया। तो आपको इंटरनेशनल लॉ का भी पता होना चाहिए, नेशनल लॉ का भी पता होना चाहिए। और एग्जामिनर
जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रांट कर रहा है, जो एग्जामिन कर रहा है उसको, पेटेंट वगैरह को, उसको भी इन लॉस का पता होना चाहिए, कहीं वो गलत पेटेंट किसी को ना दे दे कि कल को मामला कोर्ट में चला जाए। क्योंकि कोई बड़ी कंपनी का इशू अगर हो गया तो वो आपकी कंट्री की इकोनॉमी से सीधा रिलेटेड है और वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर वो मामला कोर्ट में चला गया और कंपनसेशन देना पड़ गया, और कंपनसेशन भी छोटे मोटे नहीं होते, हजारों करोड़ की पेनल्टी लगा देते हैं दूसरे पर, वो डिमांड करते हैं कि इनकी वजह से हमारे ब्रांड को इतना लॉस हुआ है हजारों करोड़ का, कंट्री की इकोनॉमी तक को हिला सकता है इसमें, इतना 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 ज्यादा कंसर्न है इसमें। तो बहुत सोच समझ कर, जो एग्जामिनर हो उसको आइडिया होना चाहिए इन चीजों का, वो नेशनल लॉ को जानता हो, इंटरनेशनल लॉ को जानता हो, बकायदा इसकी ट्रेनिंग वेनिंग भी की कराई जाएगी जिसमें ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि एग्जामिनर को किन चीजों का ध्यान रखना है इवेल्युएशन के समय। इसीलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता कि आप आज एक पेटेंट के लिए अप्लाई करो आपको कल मिल जाए, पूरा समय लगता है उसके अंदर। हाँ, सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लिए जाते हैं, फिर जिसको देना है उससे पहले गैजेट में पब्लिश किया जाता है कि भाई ये पेटेंट मिलने वाला है, इससे मिलता जुलता किसी का है साइट पर भी आ जाएगा, इससे मिलता जुलता किसी का है तो ऑब्जेक्शन डाले, ऑब्जेक्शन नहीं डाल रहा है तब दिया जाता है। तो बहुत केयरफुली सारे स्टेप पर इवेल्यूएशन होती है। ठीक, तो देखो लिख भी रहा है और वही आपके सिलेबस का पार्ट भी है, जितना मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ प्री में पूछ लेगा, नहीं तो मेंस में पूछ लेगा, नहीं तो इंटरव्यू में पूछ लेगा, क्योंकि आईपी आपका तीनों स्टेज में आएगा। ठीक है, तो जो पढ़ो ठीक से पढ़ो, कम से कम ये टॉपिक, क्योंकि जॉब का नेचर भी यही है प्लस आपका तीनों स्टेज में आने वाला है। दैट नीड टू बी अलाइंड विद नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रीटी एंड प्रैक्टिसेस। तो आईपी और आईपीआर का जो काम है उसके लिए जरूरी है कि नेशनल इंटरनेशनल ट्रीटीज और लॉस का भी पता हो, और सिर्फ नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, क्योंकि सिर्फ इसका दायरा, इसका जो एम्बिट है, इसकी जो लिमिट है, सिर्फ नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू तक सीमित नहीं है, इंटरनेशनल इश्यूज भी बन जाते हैं। ये सिर्फ नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू तक रिलेटेड नहीं है, इंटरनेशनल इश्यूज भी आपको पता होने चाहिए कि आपको ये पूरा इवेल्यूशन करना है, कल को कोई बड़ा इशू ना क्रिएट हो जाए इस पर। अब एप्पल जैसी कंपनी है और आपने उसको कॉपी कर दिया, मिलता जुलता लोगो, मिलता जुलता नाम रख दिया, और कल को एप्पल ने अगर केस फाइल कर दिया, इतनी ज्यादा उसकी ब्रांड वैल्यू है, इतनी बड़ी वो कंपनी है कि वो कई हजार करोड़ का फिर डिमांड करेगा कि हमारा इतना लॉस हुआ है इनकी वजह से, और किसी लोकल कंपनी को भरना पड़ जाए तो कंट्री की इकोनॉमी हिल जाएगी। तो ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं और समय के साथ लोग अवेयर भी हो रहे हैं, डिपार्टमेंट भी स्ट्रेंथन हो रहा है। भाई शुरू में 50 ईयर्स पहले लोगों को इतना नहीं पता था, तो ये नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट भी हो रहे हैं, समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इनकी जरूरत भी है। हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है कि स्कूल और कॉलेज तक के बच्चे आगे जाके यही स्टार्टअप शुरू करेंगे, यही कंपनीज में काम करेंगे, कोई लॉ में जाएगा तो इनोवेशन में ये लोग जुड़ेंगे, साइंस के क्षेत्र में काम करेंगे। तो यही जो हमारे स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं, कॉलेज के बच्चे निकल रहे हैं, यही आगे जाकर इस चीजों पे वर्क करेंगे। तो क्या हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को ये अवेयरनेस है? भाई इंजीनियर्स तक को आईपीआर के बारे में नहीं पता है, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो एक नीपम करके प्रोग्राम भी चलाया है गवर्नमेंट ने, आगे आएगा इसी में, नीपम करके गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को इसमें कवर करना, अवेयर करना आईपीआर के बारे में। नीपम प्रोग्राम भी है, आईपी का मतलब ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये इंडिया का अपना खुद का प्रोग्राम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड, कि बच्चों को स्कूल में 8 to 12 तक के स्टूडेंट्स, इसका मेन फोकस 8 से लेके 12 तक के स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी है, कि उनको ट्रेन किया जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए आईपीआर के बारे में, क्योंकि यही कल को भविष्य है, यही स्टार्टअप चलाएंगे, यही इन्वेंशन करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे। तो आईपी को जानते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझते हो, क्योंकि आगे जाके ये मामले और सेंसिटिव होने वाले हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं आए दिन, और डेली इतने पेटेंट होते हैं, अगर आप देखोगे इंडिया में भी पेटेंट लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, स्टार्टअप बढ़ेंगे, एक तरह से मशरूमिंग हो रही है हर तरफ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है मामला और बहुत सेंसिटिव भी है। कोर्ट केसेस वगैरह और बढ़ रहे हैं पहले के मुकाबले, कंपनियों की जो फाइट है आईपी को लेकर वो और पहले से कई ज्यादा मामले कोर्ट में आ रहे हैं और आगे जाकर और आएंगे। तो कई लोगों का तो बिजनेस ही यही है, मैं आपको बताऊं, कई लोगों का बिजनेस ही यही है कि कई सारे लोगो, ट्रेडमार्क, मिलते जुलते नाम ऐसे बना के रख लो अपने पास, कई सारी चीजें रजिस्टर करके रख लो, कोई भी इस पे कुछ काम करे और हमारे पास रजिस्टर्ड है पहले से, तो उस पर कोर्ट केस कर दो, कोर्ट केस में उसमें डाल दो कि हमारे ब्रांड को नुकसान हो गया। कई लोग करते ही यही, उनका काम ही यही है।
इवन बड़ी बड़ी कंपनियां भी एक अलग विंग बना रखी है, लॉयर की टीम होती है जो ये ट्रैक करती रहती है, भाई कोर्ट में मामला जाएगा, दूसरी कंपनी हारेगी, हमें हर्जाना भरेगी, तो ये पैसा कमाने का भी एक अच्छा तरीका है। प्लस जिसका पेटेंट है, जिसने वो इन्वेंशन की थी, वो अपना पेटेंट करा के रख लेगा, कंपनी को लाइसेंस वो लीज दे देता है कि आप यूज करो, मुझे प्रॉफिट का इतना परसेंट मिलना चाहिए। तो एक पूरा एक लंबा खेल है। कई लोग इन्वेंशन कर करके रख लेते हैं जिनको अच्छी नॉलेज है टेक्निकल, कई तो कंपनियां रिसर्च वाली हैं, कई रिसर्च वाली कंपनियां हैं, तो रिसर्च वाली कंपनियों का काम ही यही है, कोई इन्वेंशन किया पेटेंट करा के रख लिया। कोई कंपनी आई, सोनी कंपनी आई, सोनी ने कहा कि हमें यूज करने दो, तो हमने सोनी से कहा भाई आप इतने साल के लिए यूज कर लो, हमें इसका मुनाफे में शेयर मिलना चाहिए 5% के आसपास। हमने कोई डिजाइन बनाया बड़ा यूनिक सा, मारुति कंपनी आई, सर हमें आपका ये डिजाइन पसंद आ रहा है, एग्रीमेंट कर लेते हैं, आप इतने समय के लिए अलाउ कर दो, प्रॉफिट में शेयर आपको मिलेगा, तो आप आराम से सुकून से बैठे हैं, अगली इन्वेंशन पे लग गए और आपके जितने पेटेंट हैं आपको पैसा मिलता जा रहा है। कई लोग यही काम करते हैं कि खुद कंपनी नहीं चला रहे हैं, रिसर्च कर करके पेटेंट करा करा के रख लेते हैं, कंपनियों को पसंद आता है तो कंपनियां उस पर काम करती हैं और आपको पैसा देती है क्योंकि आपका आपके नाम पे पेटेंट है। तो मनी मेकिंग का भी एक तरीका है, कई कंपनी इस काम में लगी होती हैं। ठीक, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आईपीआर। अब आईपीआर का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो अलग अलग तरह के आईपीआर में हमें सोचने का तरीका, हमारी स्ट्रेटजी, हमारी प्लानिंग, एक्सपर्ट लोग जो चाहिए होंगे अलग अलग प्रकार के चाहिए होंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है आईपीआर, जो मैंने समझाया, सोशल इम्प्लीकेशन भी है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी है। अगर कोई, अब जैसे कोविड वैक्सीन था, और क्या सरकार को ये अधिकार है कि वो चाहे तो पेटेंट को रिवोक कर ले? अच्छा मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, कोरोना जैसी प्रॉब्लम फैल गई देश में, है ना, कोरोना जैसी प्रॉब्लम फैल गई और एपिडेमिक हो गया, एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। अब एक कंपनी को पेटेंट है उस वैक्सीन को बनाने के लिए, एक कंपनी को पेटेंट है उस वैक्सीन को बनाने के लिए, तो अब वही कंपनी उस वैक्सीन को बना पाएगी, तो वही कंपनी उस वैक्सीन को बना पाएगी तो क्या उतने कम टाइम में पूरे कंट्री को वैक्सीन सप्लाई हो पाएगा, जरा बताओ। एपिडेमिक की मैं बात करूं, एपिडेमिक मतलब जैसे कोरोना का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, महामारी फैल गई पूरे विश्व में फैली, इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार होते नहीं है, पर ये बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा एक मार्केट था, तो सब कंपनी लग गई देश दुनिया में वैक्सीन डेवलप करने में। इतने नहीं तो पहले कोई भी वैक्सीन आप पुराने देखोगे, इतने कम टाइम में वैक्सीन कभी नहीं आया। एड्स के लिए वैक्सीन क्यों नहीं आ जाता अफ्रीका में? क्योंकि एड्स की मेन प्रॉब्लम अफ्रीका में रही शुरू में, एड्स की जो मेन प्रॉब्लम शुरू में रही वो अफ्रीका में रही, उसका वैक्सीन इतने कम टाइम में नहीं बना। एड्स का एग्जाम्पल भी छोड़ो, मैं आपको एक बीमारी बताता हूँ, इबोला। इबोला अफ्रीका में 2014 में उसने बहुत लोगों को किल किया, 15,000 से ऊपर डेथ हुई थी अफ्रीका के अंदर। क्यों नहीं इतनी जल्दी वैक्सीन बन गया इबोला का? क्योंकि अफ्रीका में फैला था, मार्केट नहीं था, अफ्रीका तक वो सीमित थी बीमारी, वहां मार्केट नहीं अवेलेबल था, तो कंपनी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। कोविड ट्रिलियन डॉलर बिजनेस था, कोविड वैक्सीन फटाफट कई कंपनी ने तैयार कर दिया। तो वैक्सीन एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर जहां बिजनेस और इकोनॉमी इन्वॉल्व हो जाती है तो रातों रात चीजें पॉसिबल कर देते हैं लोग। हालांकि सही था भाई, वैक्सीन कोविड का बनना जरूरी था, पर इबोला का भी बनना उतना ही जरूरी था। इबोला के लिए तो अभी तक कंसर्न नहीं हुआ लोगों का। अगर इबोला अगर दुनिया में फैलने लगे, आप देखोगे 1 month में वैक्सीन रिलीज कर देंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे एपिडेमिक था तो आपने दो वैक्सीन के नाम बड़े सुने थे, एक आपने नाम सुना था इंडिया में जो लग रही थी कोविशील्ड, एक लग रही थी कोवैक्सीन। सबसे पहली जो बनी थी वो स्पुतनिक वी थी, उसका नाम था स्पुतनिक वी, ये पहला वैक्सीन था, ये था रशिया का, ये रशिया वाला वैक्सीन था स्पुतनिक वी, तो ये तो इंडिया का नहीं था। कोवैक्सीन ये बनाया था आईसीएमआर, हमारा अपना वैक्सीन था इंडिया का। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, कोविशील्ड जो बनाया था ब्रिटिश कंपनी, एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, और इसके साथ ड्रग मेकर कंपनी थी एस्ट्राजेनका, एस्ट्राजेनका इनका फार्मूला था। ये फार्मूला ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनका का था, तो
तो इन्होंने कुछ कंपनी को राइट दिए कि आप ये वैक्सीन तैयार कर सकते हो। इंडिया में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनका, ये यूके का, इंडिया में इन्होंने राइट दिए थे। कौन सी कंपनी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। ध्यान रखें, फार्मूला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नहीं था, ये फार्मूला था ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनका का। कोवैक्सीन का फार्मूला आईसीएमआर का था। तो इंडियन गवर्नमेंट जो कोवैक्सीन के लिए पेटेंट दिया, आईसीएमआर को दिया, और नेशनल इंटरेस्ट में इस पेटेंट को हम रिवोक कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पर जब कोविशील्ड के पेटेंट की बात आएगी, वो इंडिया का पेटेंट तो नहीं दिया हुआ है, वो तो यूके की कंपनी का अधिकार है उस पर, और इन्होंने परमिशन दी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो कई बार आपके दिमाग में बात आती होगी कि वैक्सीन इतने बड़े कंट्री में लगना है इतने कम टाइम में, तो और कंपनियों को क्यों नहीं बोल देते बनाने के लिए? और भी कंपनियों को राइट्स मिलने चाहिए बनाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि लोगों की जान जा रही है, एपिडेमिक महामारी की स्थिति है। तो क्या पेटेंट इतने पावरफुल हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में उनको हटाया नहीं जा सकता? बिल्कुल हटाया जा सकता है यदि आपका अपना नेशनल लेवल पे है। कोवैक्सीन इंडियन कंपनी का बनाया, इंडियन कंपनी के द्वारा दिया गया अपना खुद का पेटेंट, इसको रिवोक कर सकते हैं। गवर्नमेंट को यह अधिकार है, नेशनल इंटरेस्ट में पेटेंट को रिवोक किया जा सकता है, पेटेंट को हटाया जा सकता है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सेकेंड बस। पीडीएफ इतनी बार शेयर कर दी है तब भी लोगों का कंसर्न आ रहा है सर पीडीएफ नहीं मिल रही है, बड़ी दिक्कत है। देखो, जो लोगों को पीडीएफ की दिक्कत आ रही है, नहीं मिल पा रहा है, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कर दिया है, ऐप पर भी पड़ी हुई है, वहां से आप निकाल लीजिए। बार बार एक ही मैसेज आते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, और इंडिविजुअली रिप्लाई करना पड़ता है सबको, क्लास का फ्लो भी खराब करते हैं। और आप लोगों को जानने में, जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, आप खुद ही रिप्लाई कर दिया करो अपने ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हो, कि सेम चीज को बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो समझ आ गई बात। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनका के फार्मूले पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे कोविशील्ड की। कोविशील्ड की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कौन इसके चेयरमैन है? चेयरमैन कौन है? साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला सीईओ, इनके सन जो हैं सीईओ आदार पूनावाला, आदार पूनावाला।
साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक अवार्ड भी दिया गया था कुछ समय पहले, कुछ समय पहले लोकमान्य तिलक अवार्ड भी दिया गया था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए साइरस पूनावाला को। तो पॉइंट मैं आपको ये समझाने समझाना चाह रहा था कि पेटेंट वगैरह नेशनल इंटरेस्ट में रिवोक भी किए जा सकते हैं। ये पेटेंट एक्ट 1970 में लिखा हुआ है, पेटेंट एक्ट 1970 जो हमारा अपना कानून है उसमें ये पॉइंट मेंशन्ड है कि नेशनल इंटरेस्ट में गवर्नमेंट कैन रिवोक पेटेंट। फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर हमारा पेटेंट है आप क्यों ले रहे हो, हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। जब देश हित की बात आए तो पेटेंट को रिवोक किया जा सकता है और कंपनियों को भी सरकार अधिकार दे सकती है। कंट्री से बड़ा तो कमर्शियल बेनिफिट नहीं हो सकता ना भाई, कंट्री के बेनिफिट से बड़ा तो कमर्शियल बेनिफिट नहीं हो सकता। आप पूरे साल बिजनेस करो, पर जब कंट्री के हित की बात आ जाए, एपिडेमिक जैसी सिचुएशन आ जाए, तो फिर आपका पर्सनल कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं देखा जाएगा, उस समय आपका पेटेंट मान्य नहीं होगा और कंपनियों को भी अधिकार दिए जाएंगे कि आप लोग जल्दी मैन्युफैक्चरिंग करो क्योंकि देश हित का मामला है। ठीक, तो इस एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। पेटेंट एक्ट 1970 डिटेल में हमें पढ़ना ही है, थोड़ी बहुत कहानी आपको समझ आई होगी। तो इसका मतलब पॉलिटिकल इशू भी बन सकता है कि नहीं, ये जो मामले हैं आईपीआर के ये पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, पॉलिटिक्स को भी, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, इन सब एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं। और सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी, सिर्फ नेशनल तक सीमित नहीं है, इंटरनेशनल लेवल तक भी इनका दायरा है। तो बड़ा इशू है, कहने का मतलब ये। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो टाइप है कौन किसके लिए दिया जाता है, अब वन बाय वन देखना शुरू करें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो हमने कल बात की थी, अब थोड़ा सा उनके बारे में आगे बढ़ें। फिर इनके एक्ट क्या क्या कहते हैं, इंडिया में क्या लॉ है, इंटरनेशनल क्या लॉ है, फिर एक एक के बारे में ये हमारा डिस्कशन होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले समझ लें है क्या, ये एक एक के बारे में समझ लें, फिर इसके बाद हम बात करेंगे इनके लिए नेशनल लॉ हमारे क्या बने हुए हैं। जैसे इंडिया का पेटेंट एक्ट 1970 टाइम टाइम पे अमेंड भी हुआ 99 में, 2005 में, तो वो, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लॉ कौन से हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। पेटेंट, सबसे पहला पेटेंट, कुछ समझ आए ना आए, जहां टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च ये इन्वॉल्व है, साइंस इन्वॉल्व है, वो आपका पेटेंट। टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन की बात आ रही है उसके लिए दिया जाता है पेटेंट। और इनोवेशन में इंडिया भी तेजी से अब रैंक इंप्रूव हो रही है, वर्ल्ड में इनोवेशन के मामले में इंडिया 40 नंबर पर आ चुका है, 40 नंबर पर। आगे मैं एक रिपोर्ट बताऊंगा उसमें इंडिया 40 पर आ चुका है, उसे कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो पेटेंट साइंस, रिसर्च, इनोवेशन, इन चीजों से रिलेटेड। अब देखो, नंबर वन इज पेटेंट। ए पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन, कीवर्ड हो गया इन्वेंशन। जनरली स्पीकिंग, ए पेटेंट प्रोवाइड द पेटेंट ओनर विद द राइट टू डिसाइड हाउ और वेदर द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय अदर्स। इन एक्सचेंज फॉर दिस राइट द पेटेंट ओनर मेक टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंशन पब्लिकली अवेलेबल इन पब्लिश पेटेंट डॉक्यूमेंट। तो पेटेंट किस चीज के लिए दिए जाते हैं, आपने कोई इन्वेंशन किया, कोई आपने टेक्नोलॉजी बनाई, कोई आपने मेडिसिन बनाया, कोई वैक्सीन बनाया, तो उसका राइट आपको मिलेगा, आप उसके पेटेंट ओनर हो गए। अगर वो एप्लीकेशन में आपने फाइल किया कि मैंने एक मेडिसिन बनाई है एड्स के लिए, या मैंने एक वैक्सीन बनाया है इबोला के लिए, मैंने एप्लीकेशन फाइल किया, फाइनली अप्रूवल मिल गया कि आप एलिजिबल ओनर हैं, ये आपका पेटेंट आपको ग्रांट किया जाता है, मुझे ये राइट मिल गया, उस पेटेंट का राइट मेरे पास आ गया। कंपनी आई, मान लो सीरम इंस्टीट्यूट वाले आए, तो उन्होंने कहा आपका ये पेटेंट है, हम इस पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, प्रॉफिट का उतना शेयर आप मुझे दोगे। तो पेटेंट इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ये जो चीजें हैं उनके लिए पेटेंट दिया जाता है। और इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, पेटेंट का एक लंबा प्रोसीजर होता है और इसका दायरा बहुत ज्यादा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। दुनिया में ज्यादा जो कंपनीज के बीच लड़ाई है वो पेटेंट वगैरह को लेकर, पेटेंट वगैरह को लेकर काफी झगड़े हैं, क्योंकि बहुत, मान लो कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा वैक्सीन, बहुत बड़ी दवाई, तो कंपनी का बिजनेस उस पर डिपेंड कर रहा है, तो इस पर कंसर्न भी ज्यादा रहता है। तो ए पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट, किसका राइट है, जिसने वो इन्वेंशन की है। पेटेंट राइट किसका राइट होगा, जिसने वो बनाया।
तो ए पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन के लिए दिया जाता है, पहली बात। दूसरा कह रहा है पेटेंट पेटेंट ओनर को ये अधिकार देता है, ये अधिकार देता है कि वो खुद से तय करे कि किसको वो अलाउ करेगा यूज करने देने के लिए। मेरा पेटेंट है तो मेरा राइट है कि मैं ये तय करूं कि मैं किसको ये अधिकार दूंगा, किसको ये मैं अधिकार दूंगा कि वो इस पर जाके मैन्युफैक्चरिंग करे या वो आगे इस पर कोई वर्क करे। मेरा कंसेंट के बिना वो नहीं कर सकता। तो वो हम पे डिपेंड करेगा कि मैं उससे पैसा लेना चाहता हूँ या मैं उसको फ्री में देना चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो पेटेंट, ए पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन, इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन है कि पेटेंट किसके लिए दिया जाता है, ऑप्शन में लिख देगा फोटोग्राफी, बुक्स, किताब को लिख दिया, मूवी, सॉन्ग, नहीं, पेटेंट इन्वेंशन के लिए, साइंस रिसर्च जहां इन्वॉल्व है। तो जनरली स्पीकिंग ए पेटेंट प्रोवाइड द पेटेंट ओनर विद द राइट टू डिसाइड कि कैसे और कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है, ये मैं कंसेंट दूंगा, ठीक है। इसके बाद कॉपीराइट की बात, कॉपीराइट आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क, उसके लिए मूवी, सॉन्ग, फोटोग्राफी, ये सब लिख रखा है। देखो यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में चाय ठंडी करा दी तुमने। चाय पे ध्यान मत लगाओ, पढ़ो अगला पॉइंट। तो कॉपीराइट, कॉपीराइट इज ए लीगल टर्म, कॉपीराइट इज ए लीगल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द राइट। इतनी बार मैं रिपीट करूंगा कि क्लास के बाद अगर तुम एक बार रीड कर लिए एग्जाम में भूलोगे नहीं। मैं मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम तुम्हें लग रहा है एग्जाम को बहुत नहीं है, यही याद कर लो, सब क्लास के साथ साथ याद हो जाएगा। सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव जहां पर बन रहा है मैं उसी पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि कॉपीराइट किसके लिए एप्लीकेबल है। चार ऑप्शन दे दिए, बीच में एक ऑप्शन लिख दिया कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन बना है उसके लिए पेटेंट होगा, कॉपीराइट नहीं, सबका नेचर अलग है। तो कॉपीराइट, क्योंकि अगर एक ही तरह की चीज के लिए एक ही तरह की चीज दी जाती तो इतने सारे नाम क्यों बनाए जाते, कोई पागल थोड़ी है डिपार्टमेंट इतनी अलग अलग नाम जो बना रहा है। अगर सब एक ही चीज के लिए मिल जाता तो अलग अलग चीजें क्यों बनाई जाती, सबका नेचर अलग अलग है। लोगो और ब्रांड एक अलग चीज है, इन्वेंशन एक अलग चीज है, बुक या मूवी बनाना एक अलग चीज है, सबका नेचर अलग है। तो अलग अलग तरह के IPR है, सिंपल। कॉपीराइट, कॉपीराइट इज अ लीगल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द राइट दैट क्रिएटर हैव ओवर देयर लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, फिल्म, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर भी आता है, डाटाबेस, एडवर्टीजमेंट, मैप। एडवर्टीजमेंट में भी देखते हो, एक एडवर्टीजमेंट अगर एज इट इज कोई दूसरा कॉपी कर ले कॉपीराइट लग जाता है इस पर भी। एक एडवर्टीजमेंट एज इट इज दूसरा कोई कॉपी कर ले, बिल्कुल मिलता जुलता बना दे तो लग जाएगा उस पर कॉपीराइट, कोर्ट में चला जाएगा मामला। ये भी केस कोर्ट में जाते हैं एड को लेकर। टेक्निकल ड्राइंग्स वगैरह हैं, ये भी आपका कॉपीराइट में आते हैं। तो यही ध्यान रखना है कि कौन सी चीज पर क्या अप्लाई होगा। लिटररी आर्टिस्टिक वर्क, बुक, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, फिल्म, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, एड, मैप, टेक्निकल ड्राइंग, ये सब पर कॉपीराइट होता है। मैप वेब गूगल पे सर्च करना, नीचे लिखा रहेगा नाम और एट द रेट करके कॉपीराइट लिखा रहता है वर्ड कॉपीराइट एट द रेट करके नाम लिखा रहता है गूगल पे। तुम कोई फोटो या तुम चेक करना, कई सारे इमेज, कई लोग हैं कॉपीराइट नहीं कराते पर कई लोग हैं जिनका वो बिजनेस मॉडल का पार्ट है। आप नीचे देखोगे उसमें लिखा रहेगा कॉपीराइट या राइट्स रिजर्व, कॉपीराइट राइट्स रिजर्व करके लिखा रहता है। अगर ध्यान दो कभी, बुक में भी दिख जाएगा आपको, ये मैप पे भी दिख जाएगा। तो उस पर कभी ध्यान दोगे तो नीचे लिखा रहता है कॉपीराइट एट द रेट राइट्स रिजर्व करके लिखा रहेगा, कंपनी का नाम लिखा रहेगा। अब आता है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ब्रांड और लोगो वगैरह जो होते हैं, ब्रांड और लोगो वगैरह जो होते हैं, मतलब एक ऐसा मार्क जो तुम्हारा सिंबल छोड़ जाए। एक बात बताओ, एंशियंट टाइम में लोग जैसे अपने प्रोडक्ट को भेजते थे उस पर सील लगाते थे, ये सुने हो ना, सील लगाते, सील लगाने क्या मतलब होता था, सील लगाकर आप क्या बताना चाहते थे, उसकी ऑथेंटिसिटी को बताना चाहते थे कि मेरा ही बनाया हुआ है, कि मेरी क्वालिटी देश दुनिया में बड़ी फेमस है। तो वो मार्क इस बात का सिंबल है कि मैं ही सप्लाई कर रहा हूं उसको, एज इट इज मार्क कोई दूसरा कॉपी कर लेगा तो डुप्लीकेसी कर देगा इसका मतलब। जैसे मान लो कि शुद्ध देसी घी बनाने के लिए मैं बड़ा फेमस हूँ, राजा मतलब एक करोड़ीमल नाम का व्यापारी है, करोड़ीमल शुद्ध देसी घी बनाने के लिए बड़ा फेमस, और एंशियंट टाइम में मान लो वो ट्रेड कर रहा था तो वो जो घी का कंटेनर वगैरह बेचता था उस पर उसकी स्टैंप लगी होती थी, या मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं, अलाउद्दीन खिलजी,
खिलजी मेडिवल इंडिया में बड़ा वो समझदार चालाक टाइप का राजा माना गया है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को लेकर। एक उसने पॉलिसी चलाई थी दाग एंड चेहरा के नाम से, उसकी एक पॉलिसी थी दाग एंड चेहरा। जो हॉर्सेज होते थे, घोड़े होते थे, वो चोरी हो जाते थे, तो लोग क्या करते थे उसके अंडर में जो लोग काम करते थे, जो शाही घोड़े होते थे उनको चुरा लेते थे और नकली घोड़ा वहां फिट कर देते थे। जो अरबी नस्ल के अच्छे घोड़े होते थे उनको चुरा लेते थे, उसकी बजाय दूसरे को फिट कर देते थे। और सोल्जर जो होते थे उनमें कुछ जासूस भी जाके शामिल हो जाते थे, कोई तरीका था नहीं ट्रैक करने का। तो उसने एक पॉलिसी शुरू की थी दाग एंड चेहरा, हॉर्सेस के घोड़े के बैक साइड पर स्टैंपिंग करा देता था, रॉयल सिंबल लगवा देता था कि ये राजा के, ये राजशाही घोड़े हैं, हमारे राज्य के घोड़े हैं, कोई मिक्सिंग अब नहीं हो पाएगी, बाहर से कोई लाएगा कैसे, क्योंकि वो स्टैंपिंग तो हम करेंगे, वो स्टैंपिंग कोई और नहीं कर सकता। तो दाग दाग का मतलब था हॉर्सेस के बैक पर वो सिंबल मार्क कर देना कि जिससे क्लियर हो जाए कि खिलजी जो साम्राज्य है इसके घोड़े हैं ये। और सोल्जर की बनवाता था पोर्ट्रेट, आई कार्ड की तरह आई कार्ड बनता था सोल्जर का कि ये हमारा सोल्जर है कि नहीं। वो आई कार्ड जो हमारे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जो जारी किया जाएगा आई कार्ड, तो बाहर से अगर कोई जासूस शामिल होगा तो वो आई कार्ड उसको मिलेगा नहीं, पकड़ा जाएगा। तो ये जो मार्क है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑथेंटिसिटी को इंडिकेट कर रहा है कि आप कोई चीज बनाए हो ओरिजिनल आपका है कि नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी को बता रहा है। उस जमाने में भी ये होते थे पर उनको ट्रेडमार्क नाम नहीं बोलते थे, आप एक सिंबल के तौर पे आप बोलते थे, एक मार्क के तौर पे बोल देते थे। आज भी ये मार्क दिए जाते हैं, ऑफिशियल नाम ट्रेडमार्क कर दिया गया। जैसे नाइक कंपनी का आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो और शोरूम में आपको 3,000 रुपये में उसका लोवर मिल रहा है, वही आप लोकल मार्केट चले जाओगे मंगल बाजार बुद्ध बाजार, वही सिंबल लगा के 50 रुपीज में बेच रहे हैं। तो जब ऐसी फैक्ट्रीज के ऊपर छापे पड़ते हैं तो उनका काम भी बंद हो जाता है, जेल के भी प्रोविजन है, प्लस अच्छे खासे नुकसान की भरपाई करनी पड़ जाती है। जैसे ऑक्सफोर्ड कंपनी जो बुक वाली है, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर और एक फोटोकॉपी वाला था, ये नॉर्थ दिल्ली में यूपीएससी की जो तैयारी वाली बच्चे करते हैं, वो फोटोकॉपी बेचता था ऑक्सफोर्ड की। ऑक्सफोर्ड ने केस कर दिया था कोर्ट में, हालांकि बच्चे वगैरह उसके सपोर्ट में आ गए थे, फोटोकॉपी वाले को बड़ा सपोर्ट किए थे, तब वो कोर्ट ने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, नहीं तो ऐसा मामला चला गया था। कोर्ट थोड़ी देखेगी ये बात कि आप लोकल लेवल पे छोटा काम कर रहे हो बड़ा काम कर रहे हो, केस हुआ है तो कोर्ट तो उसके हिसाब से निर्णय करेगी। तो ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आपका एक सिंबल है, आपका ब्रांड वैल्यू, आपका लोगो, जिससे आपकी ऑथेंटिसिटी झलकती है, जिससे आपकी ऑथेंटिसिटी झलकती है। पर लोग भी बड़े चालाक हैं। अब नाइक का सिंबल ऐसे है ना, नाइक का सिंबल ऐसे है, अब कोई इस तरह का सिंबल बना के नाइक बेचना शुरू कर दे, करते ही हैं। तो अगर सिमिलरिटी मिलती है तब तो उससे मिलता जुलता नहीं यूज कर पाओगे, अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए तभी अलाउ करते हैं। पहले तो क्या था, ट्रेडमार्क वगैरह उतने स्ट्रेंथ है नहीं थे, तो मिलते जुलते को भी मिल जाता था पहले। अब तो इतना क्लैरिटी, अब इतना क्लियर कर दिया है कि मिलता जुलता भी नहीं लगेगा। पहले जॉकी और जूकी, अब डबल ओ कर दिया तो जूकी हो गया। तो पहले तो मिलते जुलते वाले को भी मिल जाता था, रूल इतने स्ट्रांग नहीं थे। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि हर आसानी से मिलते भी नहीं, पहले जो आसानी से फाइल अप करते थे मिल जाता था। इंडिया में भी लॉज स्ट्रिक्ट हो चुके हैं और अब मिलते जुलते सिंबल पे वो पता लग जाता है इनको कि जानबूझ के यहीं से कॉपी कर रहा है, तो वो देते नहीं है इस पर। ठीक, तो ट्रेडमार्क क्या है, जैसे कोका कोला है, सोनी है, एक ब्रांड वैल्यू है जो बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च, बहुत काम करके उन लोगों ने इतने समय में डेवलप की है, और कोई रातों रात आके उसी को कॉपी कर ले, उसी लोगों को, उसी ब्रांड को, तो वो नहीं पॉसिबल है क्योंकि ट्रेडमार्क के दायरे में आ जाएगा ये। ठीक है, और कई बार इस तरह के मामले, जैसे हल्दीराम का एक देखोगे आप, उसका एक ब्रांड वैल्यू, एक लोगो है उसका भी, तो ट्रेडमार्क लिखा रहेगा, ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क इज अ साइन। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, एक सिंबल के तौर पर है। ट्रेडमार्क किसके लिए दिया जाता है, सिंबल के लिए। ट्रेडमार्क इज अ साइन कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विस ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंटरप्राइज। ट्रेडमार्क आपके ब्रांड को, आपके लोगों को एक रजिस्ट्रेशन दे रहा है, एक ऑथेंटिसिटी दे रहा है कि आप औरों से अलग हो। दोनों में वेरिएशन क्रिएट कर रहा है कि हल्दीराम का लोगो देखोगे, बिस्लरी देखोगे, दोनों आपस में अलग अलग है, दोनों का अलग ट्रेडमार्क है, अच्छा खासा डिस्टिंक्शन। दूर से भी अगर नजर पड़ेगी, दूर से पैकेट देख के पहचान जाओगे हल्दीराम है, और उसके ठीक बगल में कोई दल्दीराम करके कंपनी खोल दे और वही लोगो बना दे। अब किसी की ट्रेन छूट रही है स्टेशन पे, जल्दी जल्दी में खरीद रहा है, वही लोगो लिखा है, सब कुछ वही लिखा है,
और हल्दीराम में डी की जगह कुछ और वर्ड लगा दिया, आप जल्दी जल्दी में पढ़े नहीं, जब ट्रेन में नजर पड़ी अरे हल्दीराम में तो डी की जगह पी हो गया है। जैसे बिस्लरी कंपनी है, लोकल दुकानों पे देखो कि बिस्लरी है ना, अब बिस्लरी में एल और एस आगे पीछे कर देगा, सेम कलर सेम लोगो बना देगा, बिल बिल सरी हो जाएगा। ये तो आए दिन आप देखते दुकानों पर, बाद में ध्यान पड़ता है वही कलर वही लोगो, जल्दी जल्दी देखा नहीं तो बिल सरी हो गया। तो मेन कंपनी को कितना नुकसान होता होगा इनके कारण। तो ट्रेडमार्क इस बात को इंश्योर करता है आपका ब्रांड आपका लोगो डाइल्यूट ना हो पाए, कोई और उस पर काम ना कर पाए। यदि करता है और आपने केस कर दिया तो उसको हर्जाना भरना पड़ेगा, जेल तक के भी प्रोविजन है। तो ए ट्रेडमार्क इज ए साइन सिंबल, सिंबल के लिए दिया जाता है जो आपके प्रोडक्ट को औरों से अलग करता है। ए ट्रेडमार्क इज ए साइन कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विस ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंटरप्राइज, कैसे आप औरों से अलग हो रहे हैं। ट्रेडमार्क डेट बैक टू एंशियंट टाइम, पुराने जमाने में भी आर्टिस्ट जो होते थे अपना सिग्नेचर या मार्क वगैरह प्रोडक्ट पे लगा देते थे उसकी ओरिजिनलिटी को बताने के लिए, उसकी ओरिजिनलिटी को बताने के लिए, उसके ऑथेंटिसिटी को बताने के लिए। तो पेटेंट हो गया इन्वेंशन के लिए, कॉपीराइट हो गया अलग चीजों के लिए, ट्रेडमार्क हो गया सिंबल वगैरह के लिए, ब्रांड और लोगो वगैरह के लिए कि जो आपका नाम है। अब जैसे आरोहन है, आरोहन का लोगो रजिस्टर्ड है, इसी लोगो पे कोई इसी सिंबल के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करे तो मैं उस पर केस कर सकता हूं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होता तब नहीं कर पाते। ठीक, फिर आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। कारें आप देखते हो, जैसे एग्जांपल मैं कार का दे रहा हूं, डिजाइन तो कई तरह का हो सकता है। कोई कंपनी, जैसे मान लो कोई कंपनी है कपड़े बनाने वाली और उनका एक यूनिक डिजाइन है, उसके कपड़े दूर से देख के आपको पता चल जाता है ये इस कंपनी के हैं। फॉर एग्जांपल मान लो रोलेक्स की घड़ी है, रोलेक्स की घड़ी, अब जो लगातार देखता रहता है रोलेक्स के मॉडल को वो दूर से देख के बता देगा रोलेक्स है ये, क्योंकि उसका डिजाइन अलग तरीके का है। ओमेगा की वॉचेस देखोगे अलग तरीके का डिजाइन है, वॉचेस में भी बहुत चलता है ये सब। ठीक है, स्विस वॉचेस वगैरह में देखोगे दूर से देख के बता दोगे आप। तो इंडस्ट्रियल ऐसी कारों में, कोई कार है उसके दरवाजे ऊपर खुल रहे हैं, रोल्स रॉयस है उसका बीच का दरवाजा ऐसे पीछे की तरफ खुलता है, तो अलग अलग तरीके की कारों के भी डिजाइन, ये भी इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में आएगा। शूज जो होते हैं उनमें भी डिजाइन चलते हैं कई प्रकार के। ठीक है, अब जैसे लुइस वुटन है, लुइस वुटन जो कंपनी है उसका लोगो अलग तरीके का, एज इट इज की कॉपी करेगा उस पर केस हो जाएगा। ठीक है, तो डिजाइनिंग की बात अगर करें, डिजाइनिंग की हम बात करें तो 3D फीचर्स अगर आपने कोई यूज किए हैं डिजाइन में ये भी कवर हो जाता है, 2D फीचर्स अगर हैं ये भी कवर हो जाता है, कोई पैटर्न आपने यूज किया है, कोई लिखने का स्टाइल आपका अलग है, कोई लाइन आपने अलग तरीके की यूनिक यूज की है, कोई कलर यूज किया है। अब जैसे मान लो मेरा लोगो है और मैं एज इट इज किसी कंपनी को लोगो से कलर वलर ऐसा मैच करा दूं कि दूर से देखने में वही कंपनी लग रही है। मान लो कोई बहुत बड़ा ब्रांड हो और मैं अपना लोगो इस तरह से बनवाऊं कि सेम कलर यूज कर दूं, बस नाम का फॉन्ट हल्का बदल दूं, और दूसरे को कंफ्यूज करने की मेरी इंटेंशन है कि सामने वाला देख के इसी ब्रांड को जाने, बिलसेरी बिस्लरी जो बोल रहे यही तो करते हैं, सब कुछ सेम कर देंगे, बस स्पेलिंग एक चेंज कर दी और दूर से आदमी मेन कंपनी को सोचकर खरीद रहा है तो मेन कंपनी का तो लॉस हो रहा है। तो डिजाइनिंग जो होती है, डिजाइन भी ये अपने आप में एक अलग IPR है, डिजाइन को भी रजिस्टर्ड कराया जाता है, डिजाइन को भी रजिस्टर कराया जाता है। ग्राफिक्स वगैरह पे लोग काम करते हैं, ग्राफिक्स वगैरह में भी डिजाइन होते हैं कई प्रकार के। फॉन्ट जो होता है, फॉन्ट लिखने की स्टाइल तक को लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, कई मामले कोर्ट में इस तरह से भी जाते हैं। तो 2D फीचर्स हैं, 3D फीचर्स हैं, कोई पैटर्न आपने बनाया है, कोई लाइन स्पेशल टाइप से आपने कोई डिजाइनिंग में यूज किया है, कोई स्पेसिफिक कलर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है जो कहीं और से मैच नहीं कर रहा। अब रोल्स रॉयस वगैरह की जो गाड़ियां हैं, कई कलर ऐसे हैं जो कलर और कंपनी नहीं निकालती, उनके अपने कई सारे डिजाइन जो है IPR का पार्ट है जो यूनिक उन्हीं के पास है राइट्स। ठीक है, वो अलग कुछ कलर बना देंगे डिफरेंट टाइप का, और आपको गाड़ी देख के ही वही ब्लू कलर दूसरी कंपनी में अलग नजर आएगा, वही ब्लू रोल्स रॉयस में अलग दिखेगा, क्योंकि ये सब रजिस्ट्रेशन का पार्ट रजिस्टर्ड कर रखे हैं। फिर आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इंडिया में अभी तक तो बहुत ध्यान नहीं था, पर अब तेजी से पिछले कुछ साल में तेजी से इस पर फोकस बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में। तो डिजाइन जैसे मैंने बताया, कारों के डिजाइन हो गए या कोई ग्राफिक्स का काम हो गया, डिजाइन का जितना पार्ट है वो सब रजिस्ट्रेशन इसमें आता है। कोई एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है कला संबंधित चीज, कोई कलात्मक चीज, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है जहां पर, कोई ऑर्नामेंटल चीज है, ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेशन सजावट के लिए कुछ इस्तेमाल हो रहा है तो ऑर्नामेंटल सजावट के लिए, एस्थेटिक कला संबंधी कोई क्रिएटिव चीज आप बना रहे हो,
कोई अलग तरह का पैटर्न, कोई डिजाइन आपका अपना है वो आप रजिस्टर करा सकते हो। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये अपनी जगह की फेमस जो प्रोडक्ट होते हैं उनको दिया जाता है। जैसे मैं बोलूं कांधीमल हल्दी कहाँ फेमस है, उड़ीसा में। अल्फांसो मैंगो जिसको लोकली हापुस कहा जाता है, जैसे ही दिमाग आएगा ध्यान में आएगा तुरंत ध्यान जाएगा रत्नागिरी में होता है ये। केसर मैंगो, केसर मैंगो की जैसी बात करेंगे तुरंत ध्यान जाएगा जूनागढ़ गुजरात। बगनपल्ली मैंगो जैसे ध्यान आएगा आंध्रा। तो ये अपनी अपनी जगह के फेमस प्रोडक्ट है ना, जैसे पेड़ा, मथुरा का पेड़ा बोलो या आगरा का पेठा बोलो। तो क्यों आप इन चीजों को उनकी जगह के नाम से जान रहे हो? डिंडीगुल ताले है ना, डिंडीगुल के लॉक्स बड़े फेमस है, कोल्हापुरी सैंडल, वो चप्पल जो होती है कोल्हापुरी। तो जब इनके नाम आते हैं, इनके नाम इनकी जगह के नाम से जाने जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट अपनी जगह पे इतने पॉपुलर हैं कि नाम से जाने जा रहे हैं। बंगाल का रसगुल्ला, उड़ीसा में भी रसगुल्ला बहुत फेमस है। तो जो जहाँ की पॉपुलर चीजें हैं वो उस जगह के नाम से ही पॉपुलर हो गए। तो वो ऑथेंटिक हों, उनके जो बेचने वाले हैं लोकल लोग वो ऑथेंटिसिटी के साथ बेच पाए। कोई और दूसरी जगह हिमाचल का पेड़ा के नाम से ना वो करने लगे कि मथुरा वाले को हिमाचल के नाम से वो बेच रहा है, हिमाचल के उससे। तो ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे, ओरिजिनलिटी मेंटेन रहे, इनके लिए आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जो प्रोडक्ट है वो अपनी ज्योग्राफी, जहां का वो है, अपनी टेरिटरी को बता रहा है, इससे जुड़ा हुआ है वो प्रोडक्ट, अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको बता रहा है, ऑथेंटिसिटी को बता रहा है। ठीक। तो अब जैसे बनारसी पान आप बोलो, बनारसी साड़ी बोलो, तो ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अपनी अपनी लोकल जगहों के पॉपुलर हैं। अब कोई कहीं भी अगर डुप्लीकेसी करना शुरू कर दे तो वो लोकल बिजनेस तो खत्म हो जाएगा। भाई मथुरा का पेड़ा फेमस है और मैं उसी नाम से दिल्ली में बना के बेचना शुरू कर दूं और ऑथेंटिसिटी खत्म कर दूं तो वो लोकल बिजनेस तो अफेक्ट हो जाएगा। तो लोकल लोकल जगह पे जो सेलर हैं, जो उस चीज को बनाने वाले हैं, जैसे मान लो कई हमारे यहाँ कलात्मक चीजें, फॉर एग्जाम्पल आप कोल्हापुरी चप्पल की बात करोगे, तो अब अगर कोल्हापुरी चप्पल उसको हर जगह कहीं कोई भी बेचने लग जाए, उसकी ऑथेंटिसिटी को भी खत्म कर दें, तो जो उसको बनाने वाले लोग बचे हैं उनका तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा और दोबारा कोई इसमें जुड़ना भी नहीं चाहेगा। तो लोकली हमारे यहाँ जो जो पॉपुलर चीजें हैं इंडिया में वो तो खत्म हो जाएंगी। टूरिस्ट वगैरह जब उन जगहों पर जाते हैं तो वहां की पॉपुलर चीजें खरीदते हैं। अब अगर बाहर से टूरिस्ट आ रहा है वो इतना अवेयर नहीं है, कहीं पर कुछ भी बिक रहा है, तो वो ऑथेंटिसिटी ओरिजिनलिटी उस प्रोडक्ट की खत्म हो जाएगी और उसका लोकल मार्केट खत्म हो जाएगा। तो क्या उसको प्रोटेक्ट किया जाए या ना किया जाए? उन चीजों को बनाने वाले जो लोग बचे हैं धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर वो प्रोडक्ट ही अपने आप से गायब होने लगेगा और उसकी ओरिजिनल लोकल ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी, वो लोकल मार्केट का जो बिजनेस है वो अफेक्ट होने लगेगा। तो हमें नेशनल बिजनेस के साथ साथ लोकल बिजनेस को भी तो प्रोटेक्ट करना है। नेशनल बिजनेस को प्रमोट करने के साथ साथ हमें लोकली भी प्रमोट करना है, लोकल मार्केट को भी बढ़ावा देना है। जो जहाँ की ओरिजिनल चीज है, ऑथेंटिक चीज है, वो प्रोटेक्ट हो कैसे? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उनके लिए दिया जाता है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और GI बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। सब खिचड़ी तो नहीं लग रही है? क्या मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ कि सब में डिफरेंस है? ये सब एक ही बात नहीं है। पेटेंट अलग काम के लिए दिया जा रहा है, कॉपीराइट अलग चीज के लिए है, ट्रेडमार्क अलग चीज के लिए है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का पर्पस अलग नेचर का है। इसका एक्ट भी है, 99 में इसका एक्ट भी बना हुआ था। आगे हम सारे एक्ट देखेंगे, पहले ओवरव्यू तो पता चले कौन किसको देते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड अपीलेशन ऑफ ओरिजिन आर साइन यूज्ड ऑन गुड्स। एक ट्राई कलर लोगो है। अब ये कैसे पता लगेगा GI टैग किस प्रोडक्ट को मिला? उसके ऊपर एक ट्राई कलर लोगो है, DPIIT ने बनाया था, और एक थीम लिखी है उस पर, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य वस्तुएं। तो GI टैग को देखकर ओरिजिनलिटी उस प्रोडक्ट की पता लग जाएगी, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है कि नहीं, GI टैग को देखकर आपको मालूम चल जाएगा। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड अपीलेशन ऑफ ओरिजिन आर साइन यूज्ड ऑन द गुड दैट हैव ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड पजेस सम क्वालिटी, सम रेपुटेशन और कैरेक्टरिस्टिक दैट आर इसेंशियली एट्रीब्यूटेड टू दैट प्लेस ऑफ ओरिजिन। वो प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस, अपनी जगह के लिए कुछ जाना माना है वो प्रोडक्ट, कोई खासियत है उसकी ऐसी, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड अपीलेशन ऑफ ओरिजिन आर साइन गुड्स पे लगाए जाते हैं
जिनको देखकर आप उसकी ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी, आप कहीं घूमने जाएं उत्तराखंड या उड़ीसा और आप वहां का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो आप उस पर टैग देख लो, ये टैग उस पर है कि नहीं, पता चल जाएगा वहीं का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड अपीलेशन ऑफ ओरिजिन आर साइन यूज्ड ऑन द गुड दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन, और इसकी कुछ क्वालिटी है, कुछ रेपुटेशन है, कुछ विशेषता है इस प्रोडक्ट की जहां से ये ओरिजिन हुआ है। मोस्ट कॉमनली ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंक्लूड द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द गुड्स। बताया ना मैंने, उस प्रोडक्ट के साथ उस जगह का नाम जुड़ा हुआ है, कोल्हापुरी चप्पल, बनारसी साड़ी, बनारसी पान, ठीक। रसगुल्ले को लेके लड़ाई हुई दो स्टेट के बीच, उड़ीसा और बंगाल, कि रसगुल्ले का ओरिजिन कहाँ से है। उड़ीसा कह रहा है हमारे यहाँ से ओरिजिन है, बंगाल कह रहा है हमारे यहाँ से है। तो रसगुल्ले का जो ओरिजिन एंशियंट टाइम से अगर देखा जाए तो उड़ीसा है एक्चुअल में। अब कोई बंगाल से होगा तो नाराज हो जाएगा, सर बंगाल है हम तो बचपन से जानते हैं, उड़ीसा है एंशियंट टाइम से, आप देखोगे उड़ीसा है। हालांकि दोनों जगह के रसगुल्ले जो हैं दोनों को गवर्नमेंट ने पॉपुलर कर दिया, उड़ीसा वाला भी बंगाल वाला भी है। वैसे ओरिजिन अगर देखो, दोनों स्टेट की लड़ाई थी रसगुल्ले के ओरिजिन पर, अगर एंशियंट टाइम में जाओगे तो उड़ीसा है ओरिजिन के मामले में। तो जो जीआई प्रोडक्ट होते हैं उनमें एक विशेषता आपको ये दिखेगी कि उसके साथ नाम अटैच होगा, नाम जुड़ा होगा। जीआई प्रोडक्ट किन किन को लिस्ट में रखा गया है, एक लिस्ट में आपको लास्ट में दे दूंगा कि इंडिया में कितने प्रोडक्ट, हालांकि कई सारों को मिल चुका है, एक लिस्ट में बता दूंगा कितनों को मिल चुका है, उसमें से भी जो मेन मेन होंगे, सारे नहीं जानने हैं। पता लगा चार ऑप्शन दे दिया, इनमें से किसको जीआई टैग दे रखा है बताओ। पूछने वाले को क्या है, ऐसे पेन चलाया जो मर्जी पूछ दिया, बताने वाले को मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे इंटरव्यू में सामने बैठे कुछ ही पूछ रहा, अच्छा ये बताओ जैसे गांव में पीपल के पेड़ के नीचे चार लोग बैठ जाते थे, कितने, डेढ़, 22, और उनका ये पर्पस होता था अगर तुम ये नहीं बता पाए तो तुम्हें कुछ नहीं आता, चाहे तुम पीएचडी कर रखे हो आईआईटी दिल्ली से, बस वो एक क्वेश्चन तुम्हारी पूरी नॉलेज को डिफाइन कर देता था उनके हिसाब से। तो आजकल इंटरव्यू भी जो लेते हैं उसमें भी मॉक इंटरव्यू भी कई लोग लेते हैं, कई इंस्टीट्यूट मॉक इंटरव्यू कराते हैं। इंटरव्यू जो व्यक्ति ले रहा है वो खुद, उसको समझ आना चाहिए कि इंटरव्यू का तरीका क्या होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उसमें कुछ सोच भी तो पाए, कोई विचार भी तो कर पाए। अब कई लोग इंटरव्यू दो तरह के होते हैं, एक पर्सन होता है जो आपकी नॉलेज को सही तरह से चेक कर रहा है, एक होता है वो आपको ये बताना चाह रहा है कि वो क्या यूनिक चीज जानता है जो कोई नहीं जानता दुनिया में। कई लोगों का नेचर क्वेश्चन पूछने में ऐसा होता है, एग्जाम में भी, कि नालंदा में लाइब्रेरी जलाई गई थी, बख्तियार खिलजी ने जलाई थी, ये नहीं पूछेंगे। पूछेंगे क्या, कितनी किताबें जलाई थी और कितने दिन तक लाइब्रेरी जलती रही थी, सीजीएल का क्वेश्चन है, कितनी किताबें जलाई गई थी। ये ऑथेंटिक क्वेश्चन थोड़ी, प्रॉपर नहीं है ये, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, ये लोकल एग्जाम कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंटरव्यू में भी इस तरह की चीजें होती हैं। अगर कुर्सी घुमा दी जाए, तुम इंटरव्यू ले रहे हो और सामने वाला इंटरव्यू दे रहा हो, हालत खराब हो जाएगी। तुम तो 10 में 6 बताए हो, वो शायद 2 भी ना बता पाए, कुछ लोग को खराब भी लग रहा होगा। स्टूडेंट बेचारा इतना पढ़ रहा है, उसको बहुत नॉलेज है, एक क्वेश्चन के बेसिस पर जज नहीं कर सकते हैं बच्चा ही जानता नहीं जानता, वो नहीं जानता भले, उसके अलावा बहुत सारी चीजें वो जानता है, कोई एक क्वेश्चन पूरी नॉलेज को डिफाइन नहीं करता। तो इंटरव्यू में भी ये दिमाग से निकाल देना कि मैं 10 के 10 आंसर करूंगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे, आप 10 में से 6 बताओ पर सही तरीके से बताओ, ये मैटर करता है। अननेसेसरी, अब मॉक इंटरव्यू में बड़ा बेवकूफ बनाते हैं बच्चों को, कोट पैंट टाई पहन के बैठ गए, अच्छा ये बताओ, और आप कोट पैंट से समझ लेते हो कि सामने वाला नॉलेजेबल है। मॉक इंटरव्यू सही व्यक्ति ले रहा हो ये जरूरी है, आलतू फालतू कोई भी मॉक इंटरव्यू लेने लग जाए तो आपको वैसे ही फ्रस्ट्रेट कर देगा। कितने एग्जाम्पल, दुनिया भर के एग्जाम्पल है, बच्चे आते हैं सर इंटरव्यू होना है बताइए, मैं उनको बताता हूँ भैया से, फिर वो कहते हैं सर अभी पिछले हफ्ते मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया, मॉक इंटरव्यू वाले ने कह दिया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब मॉक इंटरव्यू वाले को अपना नहीं पता है पर तुम्हारा बता रहा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बारे में तुम डिसाइड करोगे कोई दूसरा नहीं। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, अपने ऊपर फेथ रखो कि तुम इंसान का जन्म लिए हो, धरती पैदा हुए हो, कुछ पर्पस है तुम्हारी लाइफ का। नॉलेज जितनी हो सके गेन करो, नॉलेज कभी कंप्लीट तो नहीं होगी, किसी के लेवल पर पूरी नहीं हो सकती, पर ये एक लगातार सीखने वाली प्रक्रिया है, लगातार इंप्रूव करते जाओ, अल्टीमेटली सक्सेस मिलेगा। और सक्सेस के भी अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग पैरामीटर है, सबको एक तरह से मत सोचा करो। तो बेवकूफ नहीं बनना एग्जाम में, सीधा बिल्कुल जैसे मछली की आंख दिखी थी अर्जुन को, बिल्कुल टू द पॉइंट चलते चलो, अननेसेसरी फ्रस्ट्रेट नहीं होना। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी डर का व्यापार है, एग्जाम को इतना हुआ बना दो कि बच्चा 1.5-2 लाख फीस भर के आएगा, कोई ऑप्शन ना दिखे उसको कि यूपीएससी तो नॉर्मल लोग निकालते ही नहीं। जैसे 3 अगस्त से अभी हम लोग सिविल्स का बैच शुरू करेंगे, आप देखना नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होगा,
नॉर्मल बच्चे ही पेपर निकालते हैं, वो नासा से पकड़ के नहीं आता है। ये डर का व्यापार है, कोचिंग के द्वारा क्रिएट किया गया कि पहले बच्चों को डरा दो, सिविल सर्विसेज के नाम पे इतना टफ कर दो कि उसके हाथ पैर फूल जाएं कि वो अपने लेवल पे नहीं कर सकता। अगर अपने लेवल पे बच्चा नहीं कर सकता तो पेट्रोल भरने वाला सिविल्स कैसे निकाला, कुली कैसे क्वालिफाई कर गया, मैरिज के बाद एक दो बच्चे होने के बाद लेडी क्वालिफाई कर गई, कैसे कर गई, उन्होंने तो कोचिंग नहीं किया। कितने एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो कोचिंग के ट्रैप पर नहीं फंसना है। सबसे पहली बात, जो एग्जाम देना है टू द पॉइंट, और तुम्हें सबको पता है बिना पढ़े बात नहीं बनेगी, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। बड़े बड़े थंबनेल देखकर ये मैराथन कर लो हो जाएगा, नहीं होगा, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। पूरा सिलेबस खत्म करो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, टेस्ट सीरीज दो, तीन चीजों को तुम स्किप नहीं कर सकते। और इस एग्जाम के लिए नहीं, मैं तुम्हें हर एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ जो तुम अलग अलग मैसेज में पूछते हो, शॉर्टकट कुछ नहीं है। मेहनत से पढ़ो, प्रीवियस ईयर लगाओ उस एग्जाम के मिल जाए अगर, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो, और टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इसलिए मत स्किप करना क्योंकि उतने ही टाइम में उतने ही प्रेशर के साथ उतने क्वेश्चन लगाने को मिलेंगे। जब उस प्रेशर में परफॉर्म कर लोगे, जितनी गलती करनी है टेस्ट सीरीज में कर लो, ताकि जब मेन एग्जाम देने जाओ तो वहां गलती ना करो। पहली बार ही सचिन को सीधे वर्ल्ड कप के मैच में उतार दिया जाता तो क्या वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाता? तुम्हारी गलती क्या है? तुम सीधे मेन एग्जाम में जाके अपीयर कर जाते हो, टेस्ट सीरीज देते नहीं, कहां से नहीं आएंगे नंबर? सब वहीं मेन एग्जाम में गलती करने लगते हो। वही हाल इंटरव्यू में है। अरे इंटरव्यू में 5-7 बार प्रैक्टिस करके तब इंटरव्यू में जाया करो। प्री निकाल दिया, मेंस निकाल दिया, लास्ट स्टेज इंटरव्यू बचा था, प्रैक्टिस कर लेते निकल जाता। सीधे इंटरव्यू में पहुंच गए, विश करना तक भूल गए बोर्ड को, बिना पूछे धड़ाम से बैठ गए। तो ये गलती तो खुद करोगे, तो फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। कहीं ट्रैप के चक्कर में मत पड़ो। सिंपल तरीका, प्री निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू की तैयारी करके तब जाओ। और किसी की बात को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ना मेरी ना किसी की बात। तुम्हें अच्छी तरह पता है बिना पढ़े बात नहीं बनेगी, शॉर्टकट कुछ नहीं है। कभी ऐसा नहीं होगा कि जादी की छड़ी छड़ी घुमाए पूरा सिलेबस तुम्हारा तैयार हो जाए, ना आज हुआ है ना आगे होगा। मेहनत से टीचर पढ़ा रहा है, मेहनत से पढ़ो, अपने आप एग्जाम निकलेगा। मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, पिछले एक महीने में इतने सिलेक्शन के मैसेज हैं, डेली 2-3 मैसेज आ रहे हैं, और जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो 3-3, 4-4 एग्जाम निकाल रहे हैं, पर वो एक दिन में नहीं हुआ है। चलो ज्ञान की बात बहुत हो गई, वापस टॉपिक पर आए। बीच बीच में तुम्हें बार बार मैं ये चीज याद दिलाता रहूंगा कि अपने अपने गोल से नहीं हटना है और 50 चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना। जो टारगेट बनाओ उसको समय दो, मेहनत करोगे निकलेगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात हो गई, तो ये अपनी जगह के जहां का इनका ओरिजिन है, ये उस जगह को भी एक तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है, इसके नाम से आपको पता चल जा रहा है। जरा मैं इसका लोगो दिखाऊं आपको, जीआई टैग के लिए जो इंडिया में लोगो है, तो कभी भी किसी काम को अपने आप से तुमने टफ बोल दिया तो टफ हो गया। किसी भी चीज को हुआ मत बनाओ, हर चीज इंसान ही कर रहा है, कोई और पकड़ के नहीं आ रहे हैं लोग। किसी भी चीज को हुआ मत बनाओ, ये कोचिंग वालों का किया धरा है कि हर एग्जाम को इतना टफ बना दो कि जब बच्चा डरेगा तो बैग भर के पैसा लेकर आएगा। इतने साल से मैं देख रहा हूं चीजों को, और बेवकूफ बने चले जा रहे हैं। 4 साल बाद फिर मैसेज करेंगे, सर 4 साल हो गया पास हुए, अब क्या करूं? और सर उससे पहले चिल्ला चिल्ला के बताते रहेंगे तो सुनेंगे नहीं। और गलती कोचिंग की नहीं है, गलती बच्चों की है। भाई कोचिंग एक बिजनेस चला रहा है, तो बिजनेस मॉडल है तो वो कोचिंग की प्रमोट करेगा ही। जैसे कोई भी अपने ब्रांड को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए पूरा प्रयास करता है, कोचिंग भी अपना प्रयास कर रहा है। पर पॉइंट ये है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे लिए वर्थ है या नहीं। देखो ये क्वेश्चन है इसमें जी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का लोगो क्या है? इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में कि जीआई टैग, मैंने बताया था ट्राई कलर लोगो है, जीआई प्रोडक्ट पे ये प्रोडक्ट, ये लोगो दिखेगा आपको। जीआई प्रोडक्ट ऑथेंटिक है उन पर ये लोगो नजर आएगा, और ये उस पर टैगलाइन लिखी होगी, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य वस्तुएं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट,
ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होते हैं? जैसे मान लो मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ या मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ और मेरे क्लाइंट की पूरी डिटेल है मेरे पास, जितना हमारा डाटाबेस है हमारे क्लाइंट की डिटेल। अब वो अगर डाटा लीक हो जाए, उनके नंबर, मेल आईडी, आजकल जानते हो ये दुकानों पर, शोरूम वोरूम में आप कपड़ा खरीदते हो तो वो कहते हैं सर अपना नंबर रजिस्टर करा लीजिए, आपको मैं पॉइंट्स मिलेंगे 50 पॉइंट्स। हर जगह हो गया है तो आजकल, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी खरीद रहे हो अपना नंबर मेल आईडी दे दो और रजिस्टर कर लेंगे और आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये कूपन मिल जाएगा, दो पार्ले जी बिस्कुट और दे देंगे। ये आपका डाटा वो रख लेते हैं। आजकल सुनते हो एक मामला चर्चा में रहता है, डाटा हैकिंग या डाटा पायरेसी या डाटा की चोरी। कई कंपनियों का बिजनेस यही है, वो वॉल्यूम में डाटा को इकट्ठा करके दूसरे कंपनी को बेच देते हैं और आप परेशान होते हो, आपके पास फोन आ रहा है, होम लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लो, कार लोन मिल रहा है, बट रहा है, आ जाइए फटाफट लोन के लिए, या जूता चप्पल का मैसेज आ रहा है। आप कहोगे यार ये कहाँ से आ रहा है, इससे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ 10th क्लास में, मेरे को होम लोन का मैसेज क्यों आ रहा है, कॉल क्यों आ रहा है, ये नंबर कहीं से तो गया होगा। तो कहाँ से गया होगा? जहां जहां तुमने नंबर अपने रजिस्टर कराए होंगे कई लोगों ने उस डाटा को बेच दिया है। ये अलग ही एक मुद्दा बना हुआ है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, डाटा प्राइवेसी। अब यही क्वेश्चन है एग्जाम का, कुछ आ रहा है समझ? डाटा क्या करते हैं, कंपनी डाटा बेच देते हैं दूसरे को, अच्छे खासे पैसे में बेच देते हैं और वहां से उनको बिजनेस मिलता है। दूसरी कंपनी डाटा ले लेते हैं, वो आपको कॉलिंग करेंगे, दो चार लोगों ने भी खरीद लिया तो बढ़िया है। ठीक, तो ट्रेड सीक्रेट, तो कई सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी, आपकी अपनी कंपनी की कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कंपनी पूरा जान लगा देती है उसको बचा के रखने के लिए। कोई ऐसा फार्मूला है आपके पास प्रोडक्ट बनाने का कि जो किसी के पास नहीं है? बड़ा यूनिक फार्मूला है कि आप दाल मखनी बना रहे थे कुछ ऐसी कि उसका जो रेसिपी है केवल पुश दर पुश आप ही के पास है, और सेम रेसिपी कोई बगल में ढाबे वाला जान गया तो बेच देगा 50 रुपये में, तुम बेच रहे थे 500 में। सेम जैसे मान लो मैं कोई कंपनी चला रहा हूं और मुझे टेंडर फाइल करना है, एक कंपनी का टेंडर आया है, मेरे कंप्यूटर को भी फाइल करना है, मुझे भी फाइल करना है, और वो टेंडर की डिटेल 2 डेज पहले ही मेरे किसी एम्प्लॉय ने पैसे लेकर दूसरे को बेच दी, तो क्या वो डिटेल ट्रेड सीक्रेट था मेरा जो कंप्यूटर फायदा ले गया? और मैंने जो बिडिंग की, मैंने जो टेंडर फाइल किया, उसने मेरे से 1 रुपये कम करके फाइल कर दिया, उसको मिल गया और मेरे हाथ पांव फूल गए कि मैंने तो पूरा एनालिसिस करके इतनी सही कॉस्टिंग निकाली थी, टेंडर मुझे ही मिलने वाला था, कंप्यूटर को कैसे मिल गया? कई बार जो ओनर होते हैं उनको समझ ही नहीं आता खेल क्या है, कि अपना ही एम्प्लॉय कल कॉफी शॉप में टेबल के नीचे पैसे लेके डाटा रिलीज कर दिया, बेच दिया है। ये तो अक्सर होता रहता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो ट्रेड सीक्रेट कंपनी के ऐसे डाटा जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए, इवन हर एम्प्लॉय को भी नहीं पता होते, ये बहुत ट्रस्टवर्दी लोगों को ही ये जानकारी हो जो पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व हैं, सिर्फ उन्हीं को पता हो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा कंप्यूटर जान गया तो वो हमें इकोनॉमिक डैमेज कर देगा, फाइनेंशियल हमें लॉस उठाना पड़ जाएगा। तो ट्रेड सीक्रेट भी इसी का पार्ट है, आईपी में आता है। ट्रेड सीक्रेट्स आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ये डाटाबेस हो सकता है, टेंडर की डिटेल हो सकती है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये आपका आईपी में आते हैं ये भी। तो ट्रेड सीक्रेट होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच मे बी सोल्ड और लाइसेंस्ड। कंपनी अपनी सीक्रेट से, कंपनी अपनी सीक्रेट अपने आप से कोई शेयर करना चाहे तो कंपनी खुद करे, पर कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से कर रहा है तो रजिस्टर्ड है। तो ट्रेड सीक्रेट्स आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए है, कंपनी खुद से शेयर करना चाहे तो करे, पर कंपनी की कंसेंट के बिना कोई एम्प्लॉय अगर बेच रहा है तो गलत कर रहा है, अनऑथोराइज तरीके से अगर ये डाटा शेयर हो रहा है तो ये गलत है। तो ट्रेड सीक्रेट्स आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच मे बी सोल्ड और लाइसेंस्ड। द अनऑथोराइज एक्विजिशन, यूज और डिस्क्लोजर ऑफ सच सीक्रेट इंफॉर्मेशन इन अ मैनर कंट्ररी टू ऑनेस्ट कमर्शियल प्रैक्टिस बाई अदर इज रिगार्डेड एज एन अनफेयर प्रैक्टिस। तो अनऑथोराइज तरीके से अगर कोई इस डाटा को यूज कर रहा है या कोई लीक किया है तो ये सब ट्रेड सीक्रेट का वायलेशन में आएगा।
ये वायलेशन है ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन का अगर ऐसा डाटा लीक हो रहा है या कोई उसका मिसयूज कर रहा है। क्लियर है? तो ट्रेड सीक्रेट्स आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच मे बी सोल्ड और लाइसेंस्ड, अनऑथोराइज एक्विजिशन यूज या डिस्क्लोजर ऑफ सच सीक्रेट इंफॉर्मेशन इन अ मैनर कंट्ररी टू ऑनेस्ट कमर्शियल प्रैक्टिस बाई अदर्स। तो अगर ऐसा डाटा लीक हो रहा है इसको अनफेयर प्रैक्टिस मानेंगे या ट्रेड सीक्रेट का वायलेशन मानेंगे। इसके बाद प्लांट वेराइटीज, प्लांट वेराइटीज, प्लांट वेराइटीज, प्लांट वेराइटीज, फार्मर कोई नई ब्रीड ग्रो कर रहा है, ये फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो कोई नई ब्रीड वगैरह बना रहे हैं तो फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, कोई नया प्लांट डेवलप कर रहे हैं, कोई नया सीड, कोई नई वेराइटी, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत भी कवर्ड है। ट्रिप्स वर्ड बताया था मैंने, WTO में आया था नाम, ट्रिप्स वर्ड कल यूज हुआ था। एज ए पार्ट ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट इंडिया हैज इनेक्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट 2001, जिसको प्लांट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो एज ए पार्ट ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट को इंडिया ने रेटिफाई किया था, जिसके अंदर प्लांट वेराइटीज को प्रोटेक्ट करने वाला ये सब जो चीजें हैं कवर्ड हैं, उसका पार्ट है। और इंडिया जैसे ये लिखा है ना, एज ए पार्ट ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट इंडिया ने लागू किया प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर एक्ट 2001। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट इंटरनेशनल जो एक एग्रीमेंट है उससे इंडिया जुड़ा हुआ है, और उसके तहत इंडिया ने लागू किया अपना एक लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी और फार्मर एक्ट 2001, इसको इन जनरल प्लांट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और किसकी रिकमेंडेशन? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके जो नियम कायदे हैं उनको इस एक्ट में ध्यान रखा गया। जिनेवा बेस्ड एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, इंटरनेशनल एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट जिनेवा। तो इसके जो इंटरनेशनल लॉ बने हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने अपना नेशनल लॉ बनाया। इंटरनेशनल जो लॉ है तो इंटरनेशनल लेवल का है, तो ऑलरेडी बहुत ध्यान रखा गया होगा चीजों का, तो हमने अपना जो लॉ बनाया उस इंटरनेशनल संस्था को भी ध्यान रखा। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट से इंडिया जुड़ा हुआ है और उसमें एक पॉइंट है प्लांट वेराइटीज को प्रोटेक्ट करने वाला, तो 2001 एक्ट इंडिया में पास हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर एक्ट 2001, जिसको प्लांट एक्ट के नाम से जानते हैं, और ये इंटरनेशनल यूनियन वाली संस्था जिसने इसके ऊपर लॉ बनाए हैं उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है अपना कानून। ये इंटरनेशनल यूनियन वाली संस्था कहाँ पर है? जिनेवा में, हेडक्वार्टर जिनेवा। अब ये एक्ट क्या कहता है, हमारा जो ये एक्ट है ये क्या कहता है, फार्मर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए अगर वो कोई प्लांट वेराइटी वगैरह डेवलप कर रहा है, उस पर उसका राइट होना चाहिए। तो ये एक्ट कहता है, द एक्ट हैज फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ ए प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। द बॉडी इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ ये फार्मर्स एंड ब्रीडर्स, फार्मर्स एंड ब्रीडर्स। द डेवलपमेंट इज सेट टू सस्टेन द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, एज मोर इम्फेसिस विल बी एट्रीब्यूटेड फॉर डिस्कवरिंग और डेवलपिंग न्यू ब्रीड्स। द स्कीम ऑल्सो सीक टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ द सीड इंडस्ट्री को भी कवर कर रहे हैं एंड ऑफर द फार्मर विद बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स। तो फार्मर, न्यू प्लांट वेराइटी, सीड, इनसे संबंधित है ये, और ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कवर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये भी कवर्ड है।
ठीक है, तो प्लांट वैरायटी एक्ट वाले की जो बात है उसको एक बार देख लो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में प्लांट वैरायटीज वाला, प्लांट वैरायटीज में फिर से रिपीट कर रहे हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट WTO में नाम आया था, इंडिया इससे एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक क्लॉज है प्लांट वैरायटीज प्रोटेक्ट करने वाला। इंडिया ने अपना एक लॉ बनाया 2001 में। इंडिया ने जो लॉ बनाया वो इंटरनेशनल जो संस्था है उसके नियम को ध्यान रखते हुए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स, स्विट्जरलैंड की एक संस्था जिनेवा बेस्ड, उसके रूल को ध्यान रखते हुए हमने अपने लॉ बनाए। ये एक्ट फार्मर को अधिकार देता है कि नई प्लांट वैरायटीज वगैरह जो बनाया है उसको, उसका राइट है कि वो किसी और को बेचे या ना बेचे, सीड्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं तो भी। तो द एक्ट हैज फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ ए प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी। न्यू वैरायटी प्लांट को प्रमोट, डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है, और ब्रीडर्स जो उसको ग्रो कर रहे हैं उनको प्रमोट कर रहा है, फार्मर्स के हित के लिए है, एग्रीकल्चर सेक्टर को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए कि नई ब्रीड्स बनाओ, नई प्लांट वैरायटीज बनाओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये कवर्ड है, और अगर आप किसी को ये अधिकार बेचोगे तो पैसा कमाओगे, सीड इंडस्ट्री वगैरह को बढ़ावा मिले, अच्छी क्वालिटी के सीड बने। और लास्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंटीग्रेटेड सर्किट, जो चिप बनती है मोबाइल वगैरह में, जो चिप वगैरह लगती है मोबाइल लैपटॉप, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, जो लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपका चिप वगैरह कहा जाता है। गाड़ियों में चिप लगती है, मोबाइल में, लैपटॉप में, तो जो चिप होती है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत दायरे में आती है। द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब जो चिप होगी उस पर ट्रांजिस्टर लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा, रजिस्टर लगा होगा, उस चिप के ऊपर कई सारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं, तो चिप भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है। इंडिया में पहले मैन्युफैक्चरिंग चिप की होती नहीं थी, अब इंडिया भी इसको बढ़ावा दे रहा है, चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इंडिया भी अब काम कर रहा है, इंडिया इसमें प्रमोट कर रहा है, जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हम खुद से बनाने लगे हैं। तो द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000, ये इंडिया ने जो बनाया, इंडिया ने बनाया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये एक्ट कब का है, प्लांट वैरायटी एक्ट कब पास हुआ है, एक्ट का ईयर याद रखो 2001, ये एक्ट कब का है 2000, यही क्वेश्चन है। द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट इंडिया ने कब पास किया, 2000 में, इन कंप्लायंस विद द ट्रिप्स एग्रीमेंट को ध्यान रखते हुए। ट्रिप्स एग्रीमेंट वाले से प्लांट वैरायटी वाला भी एक्ट हमने बनाया, इससे ध्यान रखते हुए सेमी कंडक्टर वाला भी हमने एक्ट बनाया। तो ट्रिप्स वाले में कई सारे एरिया की बात थी, ट्रिप्स जो एग्रीमेंट था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, उसमें प्लांट वैरायटी वाला भी, इंटीग्रेटेड सर्किट वाला भी, कई सारी चीजों की चर्चा है। तो उससे आइडिया लेकर इंडिया ने अलग अलग लॉ अपने बनाए हुए हैं, जैसे कि हमने देखा प्लांट वैरायटी एक्ट, और दूसरा हम देख रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट एक्ट। तो द इंटीग्रेटेड द सेमी कंडक्टर, कल मैंने ट्रिप्स वगैरह इसीलिए पढ़ाए थे ताकि ये वर्ड आपको सुना हुआ लगे, द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 ईयर है। एक तो ऊपर वाले का भी ईयर, प्लांट वैरायटी वाले का भी ध्यान रखो, जितने एक्ट हैं हमारे ईयर पूछेगा आपसे, ईयर पूछेगा ये एक्ट किस ईयर का है, पेटेंट एक्ट पूछेगा, कॉपीराइट एक्ट पूछेगा, ट्रेडमार्क एक्ट, प्लांट एक्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट एक्ट, इन सब का ईयर ध्यान रखना है। द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 वॉज ड्राफ्टेड इन टू द इंडियन गवर्निंग सिस्टम इन कंप्लाइंस विद द ट्रिप्स एग्रीमेंट के हिसाब से बना। द एक्ट इज एम्ड, इसका उद्देश्य है इंटीग्रेटेड सर्किट का जो लेआउट डिजाइन है उसको प्रोटेक्ट करना, कि एज इट इज की कॉपी ना कर ले, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज लग रहा है, बहुत दिमाग लगा के बन रहा है, एज इट इज की कॉपी ना कर ले। तो द एक्ट इज एम्ड एट इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ लेआउट डिजाइन इंटीग्रेटेड सर्किट जो आप डेवलप कर रहे हैं। लेआउट डिजाइन का मतलब है लेआउट ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किट एलिमेंट, इट इंक्लूड लीड वायर भी आ जाएगा इसमें, बाकी कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सब इसमें कवर हो जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट में, जो जो चीजें यूज हो रही हैं। द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 डिस्क्राइब अ सेमी सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट एज अ प्रोडक्ट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट में बताया कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सब आ जाता है। सेमी कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ, इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल यूज हो रहा है, मतलब चिप वगैरह आप सिंपली ध्यान रखें, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया मैंने। ये वाला जो एक्ट है इसका ईयर याद रखना है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं, यस। इसमें तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, ये जो हेडिंग लिखी है एक्ट कब का है, इस साल का, इस साल का किसको ध्यान में रख के बनाया गया, ट्रिप्स एग्रीमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया,
किस पर अप्लाई हो रहा है, चिप वगैरह के लिए है, ईयर याद रखें, इसका हेडिंग याद रखें और किस से संबंधित है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में आपका ट्रांजिस्टर मेन है, ट्रांजिस्टर के अलावा कैपेसिटर, रेजिस्टर, वायर, लीड वायर जो आप यूज कर रहे हैं, सब उसी इंटीग्रेटेड सर्किट को ही नीचे डिफाइन कर दिया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट से हमारा क्या मानना है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को तो सीधे समझ आ जाएगा, ईसी इलेक्ट्रिकल वाले तो पढ़ते ही हैं, और मैकेनिकल सिविल वाले भी बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी सर्किट आपने पढ़ रखा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आप सब्जेक्ट जो आपका था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कवर्ड है, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कवर्ड है। इसके बाद बात आती है डाटा प्रोटेक्शन, इसकी काफी चर्चा होती है आजकल। डाटा प्रोटेक्शन अभी जो मैं बात कर रहा था, डाटा प्रोटेक्शन के लिए कोई अलग से इन्होंने लॉ, भाई कॉपीराइट एक्ट में बुक्स वगैरह के लिए तो बना है, बुक्स के लिए बना है, आपका मूवी के लिए, फोटोग्राफी के लिए, पर डाटा प्रोटेक्शन के जो लॉ है उन्हें हमें और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आए दिन आप देख रहे हैं कि डाटा चोरी हो जाता है, आपकी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ रेफर टू ए कलेक्शन ऑफ प्राइवेसी लॉ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नहीं लिखा, मैंने अलग से बता रहा हूँ, इसको मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मेंशन नहीं किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो एट थे वो बता दिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो एट नेम थे वो बता दिए, अलग से टॉपिक है, अलग पॉइंट है कि डाटा प्रोटेक्शन के लिए उतने लॉ अभी इफेक्टिव हमारे नहीं बने हुए हैं, आए दिन डाटा चोरी होता है। तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ प्राइवेसी लॉ पॉलिसी एंड प्रोसीजर विच आर इंटेंडेड टू कर्टेल द प्राइवेसी इंट्रूशन, आपकी प्राइवेसी को जो इंट्रूड कर रहा है, मतलब आपकी प्राइवेसी पर जो हमला कर रहा है उसको रोका जाए, उसको कम किया जाए, कॉज्ड बाई द कलेक्शन स्टोरेज डिसमिनेशन ऑफ पर्सनल डाटा, मोबाइल डाटा चोरी हो जाना, लैपटॉप से डाटा लीक हो जाना। तो पर्सनल डाटा इन जनरल, पर्सनल डाटा का मतलब हो गया इन जनरल इज द इंफॉर्मेशन और डाटा रिलेटेड टू अ पर्सन हु कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। किसी की फोटो लीक कर दे रहे हैं, किसी की चैट लीक कर दे रहे हैं बाई ए गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एन एजेंसी। तो किसी इंडिविजुअल के द्वारा, कोई गवर्नमेंट के द्वारा, कोई एजेंसी के द्वारा अगर आपका डाटा आपकी कंसेंट के बिना कहीं लीक किया जा रहा है तो डाटा प्राइवेसी का वायोलेशन है। तो लॉज इसके हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हालांकि कुछ नियम बने तो हैं, पुराने रूल कुछ हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं है। अभी चर्चा में क्या कुछ समय से चल रहा था ना, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सरकार क्या कह रही थी, आधार को हर चीज से जोड़ दो, बैंक से भी जोड़ दो, मोबाइल नंबर से जोड़ दो, हर चीज को आधार से जोड़ दो। तो क्या अगर आपका आधार किसी को पता चल जाए तो उससे जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं क्या सारा डाटा लीक हो सकता है? चल रहा था ना, आधार को हर चीज से जोड़ना मैंडेटरी कर रहे हैं, कुछ भी कराने जा रहे हो आधार चाहिए, तो अगर आधार का नंबर कोई जान जाए तो क्या उससे जुड़ी सारी चीजें आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर देगा? तो मोबाइल नंबर से जोड़ने की जब बात आ रही थी तो टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है ट्राई, टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये टेलीकॉम सेक्टर की बॉडी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहां पर इन्होंने एक ट्रायल कराया, हैकर्स को बुलवाया और इन्होंने कहा भाई हर चीज से, मोबाइल वोबाइल से आधार नंबर जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है, तो जो लोगों की चिंता है कि क्या अगर आधार का नंबर लीक हो जाए तो क्या बाकी डाटा चोरी हो सकता है, तो हैकर्स ने जो ट्राई के चेयरमैन थे उन्हीं के बैंक अकाउंट से ₹1 चोरी करके दिखा दिए, ₹1 उन्हीं के अकाउंट से चोरी करके दिखा दिए कि हैकर तो इतने एडवांस, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हैकर और एडवांस है, दो कदम आगे हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में मामला गया कि भाई हमारी प्राइवेसी का क्या, जो हर चीज से जोड़ा जा रहा है आधार को, अगर आधार लीक हो जाए तो क्या हमारी बाकी चीजें भी लीक हो जाएंगी, राइट टू प्राइवेसी की बात आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी को हम कैसे डील करेंगे, हम ऐसे मानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो है नहीं पहले से, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को क्या पता कि 2019-20 में यह मामला आएगा, पर उन्होंने स्कोप संविधान में दे रखे हैं, अमेंडमेंट किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके कोई चीज जोड़ी जा सकती है, हटाई भी जा सकती है, ये स्कोप है। किसको अधिकार है? पार्लियामेंट को।
कॉन्स्टिट्यूशन में काटछाट करने का राइट है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट का मतलब क्या, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट साइन करते हैं तब बनता है। पार्लियामेंट लॉ बनाने का काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में काटछाट भी कर सकती है, ऐड भी कर सकता है, हटा भी सकता है कुछ। पार्लियामेंट कैसे पास करता है कोई चीज, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो दोनों हाउस पास कर दे, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे, तो जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है। एक्ट का मतलब कानून। और जब तक वो इनसे पास नहीं होगा, यही घूमता रहेगा, तब तक उसको बिल कहेंगे। बिल जब पास हो जाएगा तो एक्ट कहेंगे। ऑन द एक्ट यू कैन एक्ट, दैट्स व्हाई एक्ट कॉल्ड एज एक्ट। एक्ट के ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। एक्ट है कानून, उसके हिसाब से काम हो सकता है। एक्ट लागू हो गया है, बिल जो है अभी अंडर डिस्कशन है। तो बिल और एक्ट में क्या अंतर है? पार्लियामेंट में कोई कानून पास होना है तो बिल आएगा, बिल दोनों हाउस पास करेंगे, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देगा, तो बिल हो जाएगा एक्ट। एक्ट का मतलब अब ये फाइनल हो गया, बिल पास हो चुका है, अब ये एक्ट लागू हो चुका है, एक्शन में आ चुका है। ये अंतर है। तो राइट टू प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी हम इसको मानेंगे। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ एंटायर और कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना है, तो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी का मामला कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी देखें तो ये जो इशू है, अगर राइट टू प्राइवेसी का वायोलेशन होता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 का हिस्सा माना जाएगा। राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ एंटायर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंटायर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 स्पेशली। पार्ट 3 का हिस्सा तो है ही, आर्टिकल 21 का भी पार्ट है। अब क्या मतलब है इसका? पार्ट 3 में दिए हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, नागरिकों के अधिकार संविधान में क्या क्या है, इंडियन सिटीजन जो हमारे सिटीजन है उनके क्या क्या राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें गारंटी किए हैं। तो पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 दिए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। पार्ट 3 जब देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दे रखा है, जिन्हें हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के नाम से। इनको हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के नाम से। कहां से लिए गए थे? अमेरिका से, बोरोड फ्रॉम यूएस। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, जैसे आपकी बुक में यूनिट होती है और एक यूनिट में कई चैप्टर हो सकते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स में लिखे होते हैं चैप्टर, चैप्टर में लिखे होते हैं आर्टिकल। 12 से लेकर 35 आर्टिकल पार्ट 3 में दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट कहा जाता है, हर नागरिक का अधिकार है, संविधान ने उसको अधिकार दिया है, और ये कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया था। और पार्ट 3, अब आर्टिकल 21 भी इसके बीच में आ रहा है, 12 से 35 के बीच में ही आर्टिकल 21 भी आ रहा है। तो एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 21 को भी संविधान ने मेंशन कर दिया है कि ये पूरे पार्ट 3 से कनेक्ट तो है ही, आर्टिकल 21 का भी एक्सक्लूसिवली पार्ट है। क्योंकि अगर कंट्री में इमरजेंसी लग जाए तो फंडामेंटल राइट उस समय सस्पेंड हो जाते हैं, पर दो आर्टिकल 20 और 21, 20 और 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड। 20 एंड 21 शैल नेवर बी सस्पेंडेड, कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। तो स्पेसिफाई कर दिया है कि पूरे पार्ट 3 का हिस्सा तो है ही, आर्टिकल 21 का भी हिस्सा है, कि अगर इमरजेंसी भी लग जाए देश में और राइट सस्पेंड भी हो जाए, 20-21 कभी सस्पेंड नहीं होते इमरजेंसी के केस में भी। तो 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि सीधे लाइफ से जोड़ा है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, कि हर किसी को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, और उसकी पर्सनल लिबर्टी इंश्योर होनी चाहिए। उसकी जो पर्सनल लिबर्टी संविधान ने दी है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। यह निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, कि किसी पर्सनल लाइफ में इंटर करने का कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इसको इंश्योर करता है, हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो डिग्निटी के साथ जिए और पर्सनल लिबर्टी में वायलेशन ना हो, कोई इसमें इंक्रोच ना करे,
कोई इसमें इंट्रूशन ना करे, सही वर्ड है इंट्रूशन करना, इसमें कोई आक्रमण ना करे, इन्वॉल्व ना करे, पर्सनल लिबर्टी को वायलेट ना करे, किसी की फोटो लीक करना, किसी का मैसेज लीक करना, चैट लीक करना, यहाँ तो मीडिया ही दिखा देता है, यहाँ तो पर्सनल चैट मीडिया ही शो कर देता है, सामने वाला व्यक्ति मानहानि कर सकता है उसके ऊपर, डिफेमेशन केस फाइल कर सकता है कि मेरी कंसेंट के बिना कैसे आप दिखा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को माना है, राइट टू प्राइवेसी इंट्रिंसिक पार्ट है पूरे पार्ट 3 का, और आर्टिकल 21 का भी एक्सक्लूसिव हिस्सा है। आर्टिकल 21 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्ट 3, आर्टिकल 21 खुद पार्ट 3 का हिस्सा है, 12 से 35 के बीच में तो आ रहा है। तो पार्ट 3 क्या होता है, इमरजेंसी अगर कंट्री में लगी हो तो पार्ट 3 सस्पेंड हो जाता है, उस समय लागू नहीं होता, पर 20 और 21 तब भी अलाइव रहते हैं, तब भी जिंदा रहते हैं, ये तब भी लागू रहेंगे, कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। कि कंट्री में इमरजेंसी लगी हो तो कोई जीना थोड़ी छोड़ देगा, राइट टू लाइफ तब भी प्रिवेल करेगा, ये हमेशा लागू रहेगा। अब थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे, अब इस पर आ जाओ। तो प्राइवेसी की जो चर्चा हो रही है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ बने नहीं है, पर जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको डिफाइन कर दिया है। तो डाटा प्रोटेक्शन का मतलब है आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, आपकी कंसेंट के बिना कोई गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी उस जानकारी को लीक नहीं कर सकती। इंडिया डज नॉट हैव एन एक्सप्रेसिव लॉ, देखो मैंने कहा ना, इंडिया में उतना इफेक्टिव लॉ अभी है नहीं इसको लेकर, कुछ कानून है पर उतना इफेक्टिव नहीं, क्योंकि आए दिन लोगों की जो प्राइवेसी है वायलेट हो रही है। इंडिया डज नॉट हैव एन एक्सप्रेस लॉ फॉर डाटा प्रोटेक्शन, अब यही लिख देगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डाटा प्रोटेक्शन, तो ये तो लिख ही रहा, अभी एक्सप्रेसिव लॉ नहीं है, कुछ कानून हैं तो पर वो इतने इफेक्टिव नहीं, बड़े पुराने हैं। दो सर्टेन प्रोविजन ऑफ द सेम, कुछ नियम कुछ कानून से मैच कर जाते हैं, जैसे IT एक्ट, IT एक्ट, सोशल मीडिया से आपने किसी की फोटो लीक कर दी तो IT एक्ट का वायलेशन है, साइबर लॉ में आ जाता है वो, साइबर क्राइम में। कुछ कानून है जहां पे थोड़ा बहुत ये चीज कवर हो जाती है, पर बहुत होलिस्टिक तरीके से नहीं, क्राइम और समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया वगैरह से या लैपटॉप वगैरह से कोई डिजिटल चीज में कहीं से कोई क्राइम हुआ है, कोई साइबर क्राइम हुआ है, तो उसके लिए तो IT एक्ट 2000 बना हुआ है, उसके लिए IT एक्ट 2000 बना हुआ है। और एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बहुत पुराना कानून है ये, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी बना हुआ है, पर अभी ये सारी चीजों को कवर नहीं कर पा रहे हैं, समय के साथ क्राइम भी बढ़ गए हैं, नेचर चेंज हो गया है। एक और एक कोडिफाइड लॉ, एक डेडिकेटेड लॉ जल्दी ही आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार ये मुद्दा बढ़ रहा है, प्राइवेसी का मुद्दा लगातार बढ़ रहा है, जल्दी ही आपको इसके बारे में एक डेडिकेटेड लॉ नजर आएगा। तो डाटा प्रोटेक्शन की बात हो गई है, तो सोशल जो साइबर क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व है, IT एक्ट 2000 अप्लाई होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसमें भी कुछ प्रावधान है, पर और डेडिकेटेड लॉ इसके लिए, इसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। फॉरेन कंट्रीज में बहुत ध्यान होता है इसके ऊपर, अपने यहाँ फिर भी अभी थोड़ा सा लचर कानून है, उतना इफेक्टिव अभी नहीं है, कोई कुछ भी लिख रहा है किसी के बारे में भी। IT एंड साइबर क्राइम की बात आती है, पर्सनल लाइफ पे लोग कमेंट कर रहे हैं दूसरे को, IT एंड साइबर क्राइम उसके देखो साथ में लिखा हुआ है, तो IT एक्ट 2000 में डिफाइंड है, साइबर क्राइम वगैरह जो है IT एक्ट 2000 में डिफाइंड है। यही क्वेश्चन है, IT एक्ट कब का है, ये आपका किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन है, चाहे SSC हो, सिविल सर्विसेज हो, ESO, हर एग्जाम का क्वेश्चन, साइबर क्राइम और IT एक्ट आज के समय में जरूरत है ये, तो केवल IP में आएगा ऐसा नहीं है, ये किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो IT एंड साइबर क्राइम की बात करें, द लॉ एसोसिएटेड विद द डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT से रिलेटेड जो चीजें हैं वो IT एक्ट में कवर होती हैं। द एक्ट इज एम्ड एट रेंडरिंग अ लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजेक्शन परस्यूड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डाटा, मतलब डिजिटल डिजिटल चीजों संबंधित, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जहां पर इन्वॉल्व हो डिजिटल, तो वही लिख रखा है कि ब्रीच ऑफ कंडक्ट इम्प्लीकेशन, ये सब लॉ इसमें दिए, ये नहीं होना चाहिए, अगर ब्रीच होता है तो पेनल्टी वगैरह है इसमें, कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा कोई कोई डैमेज कर रहे हो, डाटा टेम्परिंग कर रहे हो, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर रहे हो, किसी की प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हो, तो ये सब नियम यहाँ बने हुए हैं IT एक्ट में, ये सारे नियम लिखे हुए हैं। पर जो डाटा प्राइवेसी वाले पर और भी स्ट्रॉन्ग कानून जरूरत है, बनने चाहिए।
ठीक है, चलो यहाँ तक की बात खत्म हुई। अब मैं आपको इंडिया के जो लॉज हैं, अभी सिर्फ इनका एक मैं झलक दिखा दे रहा हूँ कि आप बस ईयर इनके ध्यान रखो। एक एक एक्ट के बारे में पढ़ना है हमें, इसमें जितने भी एक्ट आ रहे हैं सबके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे मैंने बताया, पेटेंट एक्ट 1970, अमेंडमेंट 99 में भी हुआ है, 2005 में भी हुआ है। कॉपीराइट एक्ट 1957 का है, डिजाइन एक्ट 2000 का है, ट्रेडमार्क एक्ट 99, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला 99, प्लांट एक्ट 2001 और आईटी एक्ट 2000। अभी आप इसमें डिटेल में मत जाओ, बस आपको मैंने एक हेडिंग बना के दे दिया है कि कौन कौन से एक्ट हमें पढ़ने हैं आगे नेशनल वाले। ये सब हमारा नेशनल लेवल का, तो पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे फिर इंटरनेशनल वाले की बात करेंगे। ये जो हमारे, अब आपको समझ तो आई गए, ट्रेडमार्क किस बारे में बात करेगा, पेटेंट एक्ट किसको कवर करेगा, कॉपीराइट किस पे बात करेगा, डिजाइन किस पर बात करेगा, जीआई किस पर बात करेगा, उन पर्टिकुलर चीजों के बारे में क्या नियम है वो आपको इन एक्ट से पता चलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास आज यहीं तक तो रखते हैं, कल फिर इसके आगे कहानी देखेंगे। पीडीएफ मैंने बताया कल आपको, पीडीएफ जो दी थी तो उसको अभी प्रिंट मत कराना, जब मैं कंप्लीट कर दूंगा सारा लेक्चर भी और थ्योरी भी तब प्रिंट निकाल दीजिएगा, तब मार्क कर लेना। अभी रीड करने के लिए मैं आपको साथ साथ देता जा रहा हूँ। और समझ में सब ठीक से आ रहा है? आज तीसरा सेशन है, पहला ओरिएंटेशन सेशन था, दो हमने आईपीआर के करा दिए। क्या सब कुछ ठीक से समझ आ रहा है? अमेंडमेंट मीनिंग इज चेंजेस, अपडेशन गौतम, अमेंडमेंट मीनिंग इज चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग दिस पेज एंड इन टुमारो क्लास आई विल चेंज समथिंग, दैट इज अमेंडमेंट और नो? अमेंडमेंट ना। तो व्हेन वी डिस्कस ईच एंड एवरी एक्ट, अमेंडमेंट ऑल्सो वी डिस्कस कि वॉट चेंजेस वर हैपेंड इन दीज एक्ट्स। क्लियर है? तो टू क्लासेस में कंफर्टेबली आपको सारी चीजें समझ आई हैं? एनी वन, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? एक क्लैरिटी बन रही है माइंड में कि आईपी मीनिंग इज वॉट? आईपी, आईपीआर, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, व्हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाट डज इट मीन? क्लियर है? चलो ठीक है क्लास, थैंक यू। और नोट्स भी प्रॉपर बने हुए हैं, समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही, सिंपल लैंग्वेज में है, लैंग्वेज इजी लग रही है जिस तरह से लिखा गया है। ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और लाइव में दो क्लासेस आपकी और चल रही हैं, लाइफ साइंस 6:30 PM और एप्टीट्यूड थ्री डेज इन अ वीक वो 8:30 पर चल रहा है। ओके क्लास, थैंक यू।